राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आधी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ तेरे वरदारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन जारी, यमुना तीरवन जारी, यमुना तीरवन जारी, यमुना तीरवन जारी, जय
राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 गोपाल नंद लाल,
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद गोपाल नंद लाल 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 गोपाल गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Prem se gaiye Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हो कृष्णा भाव से गाइए हरे हरे रामो राम राम हरे 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 रामो हरे रामो राम राम हरे हरे आ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम महा धन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया गजमाही बनाने हमको कुटिया गजमाही बनाने हमको कुटिया गजमाही बनाने हमको कुटिया गजमाही बनाने टूक मिले रसिकों की सदा और पीपन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीपन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपने ठकुरानी श्री राधिकारानी 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 अपने हम राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हो गोरनिताई जय गोरनिताई गोरनिताई जय जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभु
नित गोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित गोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युवधर्म हरि नाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की जय। आराध्यो तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरो नः पर श्री चैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिम बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने योन्तः प्रविश्य मम वा चमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिलश तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम् करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरा श्रीकृष्ण गोविन्द दहरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृतमेत देव गोविंद दामो धर्माधवेति ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 11 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 2। कोनु राजन इंद्रियवान् मुकुन्दः चरणाम्बुजम् न भजेत् सर्वतो मृत्यु उपास्य मम रोतमे तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम् अर्पितं सुखमासीनम् अर्चितं सुखमासीनम् अभिवादेदमब्रवीत्। श्रीवसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्त्मना भूतानां देवचरितम् दुःखाय च सुखाय च सुखायैव हि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मना भजन्ति ये यथा देवा देवा अपि तथेवता छायैव कर्म सचिवा साधवो दीनवत्सला ब्रह्मन्स्तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतास्तव यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात् अहं किल पुरानन्तम् प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम् अपूजयम् न मोक्षाय मोहितो देवमा
यथा विचित्र व्यसना भवद्भिः विश्वतो भयात् मुच्येम यंजसेवाद्वा तथा न शादिषु व्रतः शिशुकवाच राजन्येवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमाह देवर्षि हरे संस्मारितो गुणः श्रीनारद उवाच सम्यगेतद्व्यवसितम् भवता सात्वतर्षभ यत्पृच्छसे भागवता धर्मास्त्वं विश्वभावना श्रुतोनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुहोऽपि त्वया परम कल्याण पुण्यश्रवण कीर्तनः स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम। इच्छा तो है आज यहाँ तक हो जाए, आशा अमर है। रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्तापित 9 दिवसीय भागवत कथा के द्वितीय दिन में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद की महिमा का श्रवण किया और हमने यह भी जाना कि किस प्रकार इस भागवत के 11 स्कंद का श्रवण करने वाले को मरने के बाद नहीं अपितु जीते जी मुक्ति प्रदान हो जाती है, क्योंकि भागवत का 11 स्कंद मुक्ति तत्व के अंतर्गत है। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रसंग प्रारंभ करते हैं। भगवान के पवित्र धाम श्री द्वारका नगरी से
श्री द्वारिकापुरी की महिमा बताते हुए कहते हैं, गोविंद भुज गोप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वह आवासित नारदो भीक्ष्णम कृष्णोपासन लालसह। द्वारका नगरी की अत्यंत अद्भुत महिमा है। विशेष महिमा यह है कि द्वारिका नगरी साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोविंद की भुजाओं से रक्षित है। द्वारिका की रक्षा भगवान स्वयं अपनी भुजाओं से करते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन देते हैं, हे परीक्षित, हे कुरुद्वह, हे कुरुवंश को, कुरुकुल को आनंद देने वाले परीक्षित, संबोधन देने के अनेकों भाव होते हैं। श्रीमद् भागवत में जब जब संबोधन दिया जाता है तो उन संबोधन के पीछे अनेकों भाव और मर्म छुपे होते हैं। कल आपने एक भाव तो जाना, कुरुद्वह क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति स्वयं तो सुखी हो ही जाता है, परंतु भक्ति करने से अपने मरे हुए पितरों का भी उद्धार कर देता है, अपने पितरों को भी आनंद प्रदान करता है। इसलिए कहते हैं कुरुवंश को आनंद देने वाले। भागवत के सप्तम स्कंद के नवम अध्याय में भी यह बात आई है। भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को कहते हैं, प्रहलाद, तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म ले लेता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कृष्ण का भजन करने वाला वे स्वयं तो पवित्र हो जाता है, जन्म देने वाली जननी को पवित्र कर देता है, यहां तक अपने पूरे कुल को पवित्र बना देता है। इतना ही नहीं, जिस जिस स्थान पर जाता है, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, वे प्रत्येक स्थान को, यहां तक तीर्थ को भी तीर्थ बना देता है। भगवान नरसिंह देव कहते हैं, प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले ले, उस कुल के एक दो नहीं 21 पीढ़ी मेरे धाम को प्राप्त कर जाती है। अतः हे कुरुद्वह, हे कुरुवंश को आनंद देने वाले परीक्षित, संबोधन देने का प्रथम भाव यह है। वैसे तो भागवत के श्लोक जिसमें बहुत रस भाव और व्याख्याएं छिपी होती हैं, वैसे तो ये श्लोक कल हो चुका था, लेकिन फिर भी भागवत तो इतना बृहद ग्रंथ है भक्तों, इन श्लोकों को जितना चिंतन करेंगे, जितना मंथन करेंगे, उतना और आनंद आता जाएगा। यद शुण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। ये कोई भौतिक ग्रंथ नहीं है, ये कोई भौतिक कथा नहीं है। संसार की भौतिक वार्ता, भौतिक वस्तु को जितनी चबाओगे उतना रस कम होते जाता है, चाहे गन्ना हो या च्युइंगम हो, आप जितना चबाते हो उतना रस कम होते जाता है और अंत में नीरस बन जाता है। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, आप जितना चबाओगे, जितना सुनोगे, जितना मंथन करोगे, उतना और आनंद आते जाएगा, और आनंद है। इस 9 दिन में एक दिन तो बीत गया, आपके पास किताब है, सो श्लोक की कथा करनी है, परंतु इस श्लोक से मन नहीं हट रहा है। कुरुद्वह, श्री सुखदेव गोस्वामी संबोधन देते हैं, कुरुद्वह, परीक्षित ध्यान से सुनो,
क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के चेहरे से उनके भाव को पहचान लिया। एक आचार्य अपनी टीका में लिखते हैं, सुखदेव जी ने देख लिया परीक्षित को कुछ शंका हो रही है। क्या शंका हो रही है? प्रथम अध्याय में कल आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दिया गया। अनेकों ऋषि मुनियों के द्वारा श्राप मिला कि पूरा यदुवंश इस मुसल के द्वारा मृत्यु का कारण बनेगा। तो महाराज परीक्षित के चेहरे के भाव को बदलते हुए सुखदेव गोस्वामी ने देखा और सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया, परीक्षित तुम शंका मत करो, याद करो तुम्हारा जन्म भी इस कुरुवंश में हुआ, माता उत्तरा के गर्भ से हुआ और अश्वत्थामा ने उस गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। विचार करो परीक्षित, जो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं वो क्या अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं? ब्रह्मास्त्र से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं तो ब्राह्मणों के शाप से वो भी अपने स्वयं पुत्र की रक्षा नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, परंतु कृष्ण चाहते नहीं हैं, उनकी इच्छा नहीं है कि रक्षा हो। अतः संबोधन देते हैं, परीक्षित तुम शंका मत करो। गोविंद भुज गुप्तायाम, ऐसी द्वारिका में श्री नारद मुनि जो भगवान के मनो अवतार है, भगवान के मन में क्या बात चल रही है ये नारद मुनि जानते हैं और भगवान के मन की बात को समझकर उस कार्य को संपन्न करते हैं। निरंतर अपने हाथों में वीणा धारण करते हैं और मुख पर एकमात्र भगवान का नाम होता है। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, निरंतर राधिका रमण राधा कृष्ण का नाम लेते हुए इस संसार में स्वतंत्र गति से विचरण करते हैं। और भक्तों, ये नारद जी भगवान को जानने वाले इस संसार में 12 लोग हैं, जिसको 12 महाजन कहा गया है। उन 12 महाजनों में से एक है नारद, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया शकिर वयम। नारद जी का नाम उस महाभागवतों में दूसरा है, द्वितीय स्थान पर। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और निरंतर इस संसार में विचरण करते हुए जगत के जीवों का उद्धार करते हैं। ऐसे नारद मुनि बार बार द्वारिका में ही आया करते हैं, द्वारिका में ही पड़े रहते हैं। आने का कारण कल आप सबने जाना, नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के रूप के रसिया थे, वे कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। नारद मुनि के हृदय में एक ही भावना हुआ करती थी कि मैं कृष्ण के निकट बैठूं, मैं निरंतर कृष्ण के सामने बैठा रहूं, उनका दर्शन करता रहूं। जब नारद मुनि के इस कर्म का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया कि कृष्णोपासन लालस, कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण के निकट बैठने के लिए नारद मुनि बार बार द्वारिका में आते रहते थे, ये बात सुनकर सुखदेव गोस्वामी के हृदय में एक भावना उत्पन्न हुई, कथा को रोक दिया और जगत के लोगों को सिद्धांत दे दिया। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम् न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य मम रोतमे।
हे राजन, हे परीक्षित, परीक्षित इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो नारद जी की तरह भगवान के साथ बैठना नहीं चाहेगा। राजन परीक्षित को संबोधन देते हुए कहते हैं, राजन परीक्षित, इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण को देखना नहीं चाहेगा, और उसमें भी कोनू राजन इंद्रियवान, और उसमें भी यदि इंद्रिय मिल जाए, बहुत सुंदर आंख मिल जाए, हाथ मिल जाए, कान मिल जाए, जिस व्यक्ति को इंद्रियां प्राप्त हुई है, ऐसा इंद्रिय प्राप्त करने वाला जीव कृष्ण को देखना क्यों नहीं चाहेगा। सुखदेव गोस्वामी के हृदय में ऐसा भाव है कि जगत के सब लोग कृष्ण को देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सुखदेव गोस्वामी का कहना यह है कि जिनको इंद्रियां मिली हैं, उसका प्रथम कर्तव्य है कृष्ण को देखे, कृष्ण का संग करे। क्योंकि भक्तों, ये इंद्रियां हमको प्राप्त हुई है, ये इंद्रिय देने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। सुखदेव गोस्वामी ये इंद्रियवान शब्द के द्वारा हमको याद करा रहे हैं, यदि संसार में किसी व्यक्ति की दृष्टि अपनी इंद्रियों के ऊपर चली जाए और घर के एक कोने में बैठकर शांति से विचार करे कि जो इंद्रियां मुझे प्राप्त हुई हैं, ये इंद्रिय देने वाले साक्षात भगवान है, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा मुझ पर की है, कृष्ण ने इतनी सुंदर आंखें दी, इतना सुंदर कान दिया जिससे मैं सुन सकता हूं, आंखों से जगत को देख सकता हूं, जीवा से टेस्ट ले सकता हूं, हाथ पांव, भगवान ने हमको लंगड़ा भी नहीं बनाया, बहरा भी नहीं बनाया, अंधा भी नहीं बनाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को देखकर यदि भगवान के ऊपर विचार करे कि इतनी सुंदर इंद्रिय देने वाले भगवान है, और जिस भगवान ने इतनी सुंदर इंद्रियां दी है, कम से कम 24 घंटे में से 2 घंटे तो उस भगवान को दे दो, कम से कम इतनी सुंदर इंद्रिय देने वाले भगवान को धन्यवाद तो कर दो। परंतु हाय रे दुर्भाग्य संसार के जीवों का, कि इतनी सुंदर इंद्रियां, इतना सुंदर शरीर देने के बाद भी, इतना सुंदर देह प्राप्त करने के बाद भी उस भगवान के प्रति हम कृतज्ञ नहीं हैं। प्रहलाद महाराज तो अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है, कृष्ण ने हमको जो दिया है उस वस्तु के ऊपर यदि हम विचार करें तब भी हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, लेकिन जीव का दुर्भाग्य है कि इतना सोचने के लिए समय कहाँ है। भगवान ने हमको सुंदर इंद्रियां प्रदान की हैं, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इसका एक अर्थ यह है कि इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा, भक्ति, उनका दर्शन सदैव करते रहना चाहिए। और दूसरा भाव यह है कि यह इंद्रियां प्राप्त हुई है तो भगवान ने हमको इंद्रियां दी हैं एकमात्र उनकी भक्ति करने के लिए। संसार में जितने भी इंद्रिय वाले हैं, उन सभी इंद्रिय वालों को इंद्रियां भगवान ने दी हैं भजन करने के लिए। आप यदि वृंदावन में जाते हो तो जो चिड़ियाएं होती हैं, चिड़िया भगवान को देखकर भगवान की भक्ति करती है, गाय कृष्ण की बांसुरी सुनकर, श्रवण करके कृष्ण की भक्ति करती है, जो वृक्ष लता पता है कृष्ण को स्पर्श करके कृष्ण की भक्ति करते हैं, वे सब लोग अपनी एक एक इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा करते हैं,
कितना सौभाग्य है हमारे पास तो वह सारी इंद्रियां है, है? जब इतनी सुंदर इंद्रियां मिली है तो क्यों भगवान की भक्ति न की जाए, अवश्य। तो हे राजन, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन इंद्रिय वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा? क्योंकि भक्तों, हम सबको इंद्रियां मिली हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं पाप किया है। यदि हमने पाप न किया होता तो हमको इंद्रियां न मिलती, हम भगवान के धाम में होते। आज हम सबको यह शरीर मिला है तो यह शरीर साक्षी है, प्रमाण है कि हमने पाप अवश्य किया है। और भक्तों, इन पापों से यदि मुक्त होना है तो एकमात्र उपाय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। तो अनेकों प्रकार के पापों में फंसकर जिनको इंद्रिया या शरीर प्राप्त हुआ है, तो ऐसा देहधारी जीव उन पापों से मुक्त होने के लिए, इस देह के बंधन से छूटने के लिए क्यों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा? अवश्य करेगा। और उसमें भी मुकुंद चरणाम्बुजम, जिस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, वह कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उनका एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का एक अर्थ होता है मुकु माने मुक्ति, और द का अर्थ होता है देना। इस संसार में आप किसी व्यक्ति के पास जाओ तो 2-5 रुपये दे देंगे, या 2-5 हजार रुपये दे देंगे। देवताओं के पास जाओ तो करोड़ों रुपये दे देंगे, आपको गाड़ी देंगे, बगला देंगे, बच्चे देंगे। परंतु यदि मुक्ति चाहिए तो मुक्ति देने वाले इस संसार में एक ही हैं, वह है मुकुंद भगवान श्री कृष्ण। अन्यथा कोई मुक्ति नहीं दे सकता। तो जो मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसे मुकुंद के चरणों का कौन भजन नहीं करेगा? प्रथम, जिसको देह मिला है, देहधारी जीव इतना पाप करके आया है, क्यों कृष्ण का भजन नहीं करेगा? और जिसका भजन करना है वो मुक्ति दाता है। मन में प्रश्न हो सकता है कि जिसका भजन करना है वो मुक्ति दाता है, परंतु खाली मुक्ति दाता हो जाने से भजन में मन नहीं लगेगा। उस व्यक्ति में सुंदरता भी होनी चाहिए, तब जाकर हमारा मन उसमें टिकता है। तो आचार्यगण कहते हैं मुकुंद का दूसरा अर्थ है, कहते हैं कि जिसके दांत कुंद कली के समान है, जो निरंतर हंसते रहते हैं, जो निरंतर 24 घंटा प्रसन्न चित्त प्रसन्न मुख से रहते हैं, उसे मुकुंद कहा जाता है। तो जो सुंदर है, मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसे कृष्ण की भक्ति कौन नहीं करेगा, को न भजेत। और इतना ही नहीं, भजेत सर्वतोर मृत्यु, इसके साथ साथ इस संसार में सब लोगों के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। इस संसार में सब लोग प्रतिदिन प्रतिक्षण मर रहे हैं, सब लोग काल के मुख में फंसे हुए हैं। तो जो रात दिन प्रति घंटे प्रति सेकेंड प्रति क्षण मर रहा है, और एक ना एक दिन चिता की भस्म बनने वाला है, मरने के बाद यदि भजन नहीं किया तो नरक में जाना पड़ेगा, तो इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो चारों ओर मृत्यु से घिरा हुआ है और फिर भी कृष्ण का भजन नहीं करेगा? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वतोर मृत्यु क न भजेत सर्वतो मृत्यु, सभी जगह पर मृत्यु होते हुए भी कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा कौन है?
भक्तों, चारों ओर मृत्यु हम सबको सता रही है। कुछ आज मरेंगे, कुछ कल, कुछ परसों, कुछ एक साल के बाद, दस साल के बाद, लेकिन सब लोग लाइन में खड़े हैं। गांव में आपने देखा होगा, गांव में जब गेहूं का आटा बनाना होता है तो घंटी होती है घर पर, दो पत्थर होते हैं और दो माताजी आमने सामने बैठती हैं, और एक माताजी आधी चक्की चलाती हैं, दूसरी माताजी आधी चक्की चलाती, वैसे घुमाते हैं और ऊपर से अनाज के दाने डालते रहते हैं। देखा होगा आप सब ने। तो जैसे वह गांव की ही चक्की चलती है, वैसे काल की चक्की चल रही है, है? और वह दाने और कोई नहीं, हम सब है, है? हम सब लोग उस दाने में दाने की तरह हैं, है? आज नहीं तो कल उस चक्की के बीच में सब लोग पीसे जाने वाले हैं, है? सब लोग, कुछ आधे पीस चुके हैं, है? कुछ आधे बाकी हैं, है? और धीरे धीरे करके वह अनाज पीस जाता है और उसका आटा बन जाता है। लेकिन यदि आपने इस दृश्य को ध्यान से देखा होगा, यदि आपने ये ध्यान से देखा होगा तो आप जानते होंगे कि जब वह चक्की पीसते हैं और पत्थर को जब ऊपर ऊपर वाले पत्थर को जब निकाल दिया जाता है तो चक्की के बीच में खिला होता है। जो अनाज के दाने उस खिले से सट जाते हैं वो आटा बनने से बच जाते हैं, है? उसका आटा नहीं बनता है, है? वो मरने से बच जाते हैं। ये काल जो है उस पत्थर के समान, उस चक्की के समान है, और वो खिला जो है भगवान श्री कृष्ण के समान है। सब लोग इस काल रूपी चक्की में मर रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण का संग कर लिए, कृष्ण का भजन कर लिए, वो उस काल रूपी चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो कह न भजेत, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कृष्ण का भजन नहीं करेगा। सर्वतो मृत्यु, सभी जगह पर मृत्यु होते हुए भी कृष्ण का भजन नहीं करेगा, सब जगह पर मृत्यु। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आज कौन व्यक्ति कब कैसे कहां मर जाए इसका कोई निश्चित नहीं है। संसार में एक ही ऐसी वस्तु है जो कहीं पर भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है और कैसे भी आ सकती है, और वो है मृत्यु। कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बम फूट सकता है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, सुनामी आ सकती है, भूकंप हो सकता है। तो चारों ओर से मृत्यु से घिरा हुआ मनुष्य कृष्ण का भजन क्यों नहीं करेगा? क्या मिलेगा कृष्ण का भजन करने से? कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का भजन कर लेता है तो वह मृत्यु जैसे महान भय से भी मुक्त हो जाता है। और साथ ही साथ कहते हैं, उपास्यम अमरोत्तमे, कह न भजेत है, जो नारद जी की तरह कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा। क्योंकि जिस कृष्ण की उपासना, जिस कृष्ण की भक्ति साक्षात अमर बड़े बड़े देवता करते हैं, उपास्य अमर उत्तम, देवता नहीं, देवताओं में भी जो श्रेष्ठ है, अमरों में, देवताओं में भी जो उत्तम है, वैसे उत्तम उत्तम देवता कृष्ण की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, शिव जी कृष्ण की भक्ति करते हैं, उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सब लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, और ये देवता की आयु दीर्घ है। कुछ ऐसे देवता हैं जो कभी नहीं मरने वाले, जैसे शिव जी, सदा शिव। विचार कीजिए, सुखदेव गोस्वामी श्रोताओं को एक मौका दे रहे हैं विचार करने के लिए,
कि कभी नहीं मरने वाले उत्तम कोटि के देवता भी जिस भगवान कृष्ण का भजन करते हैं तो सर्वतो मृत्यु से घिरा हुआ किसी भी क्षण मरने वाला मनुष्य उस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करेगा, अवश्य करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भाई भजन करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास योग्यता नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं आप तो बड़े भाग्यशाली हो, हमारे पास तो योग्यता नहीं है। मानो सुखदेव गोस्वामी को पूछा जाए कृष्ण की भक्ति करने के लिए योग्यता क्या है, तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कोनु राजन इंद्रियवान। कहते हैं परीक्षित, कृष्ण की भक्ति करने के लिए एक ही योग्यता होनी चाहिए और वो है इंद्रिया, शरीर होना चाहिए। जिसके पास शरीर है वो भजन कर सकते हैं। सब लोग कृष्ण का भजन करने के लिए योग्य हैं, समर्थ हैं। अतः कुछ लोग सोचे हमारे पास धन आ जाए बाद में भक्ति करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे हम बड़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, कॉलेज में पढ़ लिख जाएंगे तब भजन करेंगे। रूप गोस्वामी कहते हैं विचार करो व्याधस्य चरणम। एक मृगारी था, एक व्याध्र था, उन्होंने उनका क्या आचरण था लेकिन फिर भी भगवान का भजन करने लगा। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव महाराज की कौन सी बड़ी उम्र थी, 5 साल के बालक थे लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति हो गई। विद्या गजेंद्र का, वो 8वें स्कंद का हाथी कौन सी कॉलेज में पढ़ने गया था, गजेंद्र ने कौन सी बड़ी विद्या प्राप्त की थी लेकिन फिर भी भगवान मिल गए। कुबजा किमु नाम रूप अधिकम, कुबजा के पास कौन सा बड़ा रूप था लेकिन फिर भी कृष्ण मिल गए। किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा के पास कौन सा बड़ा धन था, निर्धन थे दरिद्र थे लेकिन फिर भी भगवान मिल गए। यदुपते उग्रस्य किम पौरुषम, यदुकुल के राजा उग्रसेन में क्या पौरुष था, क्या बल था, किसी भी प्रकार का बल नहीं था लेकिन फिर भी भगवान मिल गए। अतः रूप गोस्वामी ने निर्णय दे दिया भक्त्या तुष्टति केवलम नच गुणे भक्ति प्रियो माधव। ये माधव जो है, कृष्ण जो है, किसी के गुणों से प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान से कृष्ण तो मात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भक्ति वह कर सकता है जिसके पास शरीर है, यही सबसे बड़ी योग्यता है। और भक्तों शरीर इसीलिए मिला है ताकि हम भगवान की भक्ति करें, और इसीलिए तो रामायण में कह दिया जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवन शव समान सो प्राणी। जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं उनका जीवन शव के समान। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इतना सुंदर देह मिलने के बाद भी जो भजन नहीं करता वो तो लाश के समान है। क्या लोहार की धमनी सांस नहीं लेती है, हम सांस ले रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई, लोहार की धमनी भी सांस लेती है, शव के समान है उनका शरीर जो कृष्ण का भजन नहीं करता। अतः सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास इंद्रियां है, मुक्ति देने वाले मुकुंद है, सभी मृत्युओं से घिरा हुआ है और बड़े बड़े देवता जिसकी उपासना करते हैं उस कृष्ण की भक्ति कौन नहीं करेगा। सब लोग कृष्ण की भक्ति करेंगे। इतना कह के सुखदेव गोस्वामी कथा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं एक दिन की बात, वंस अपॉन अ टाइम, यहीं से स्टोरी शुरू होती है ना, यहीं से कथा शुरू होती है। एकदा तमेकदा तु देवर्षि
वसुदेवो गृहागतम् अर्चितं सुखमासीनम् अभिवाद्येतम् ब्रवीत्। एकदा एक समय की बात, नारद मुनि बार बार द्वारिका में आया करते थे। तो एक दिन नारद मुनि द्वारिका में आए और उस द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी रहते थे। तो एक दिन नारद जी को मूड हो गया और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी के घर पर चले गए। तम एकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम्। मन में यह प्रश्न हो सकता है कि नारद मुनि वसुदेव जी के घर पर क्यों चले गए, न जान न पहचान न कुछ नहीं है। नारद जी वसुदेव जी के घर पर क्यों गए? एक आचार्य ने बहुत सुंदर रसिक टीका में लिखा है, आप श्लोक में देख सकते हैं। तम एकदा तु देवर्षि, नारद जी को क्या कहा गया? देवर्षि, उसमें देव शब्द है। किसके घर पर गए? वसुदेव, उसमें भी देव शब्द लगा है। नारद जी को कोई निमंत्रण नहीं था, आमंत्रण नहीं था। नारद जी ने सोचा कि मैं भी देव और वो भी देव, हम दोनों की सरने में एक हैं, दोनों रिलेटिव हैं, तो घर पे जाने में क्या निमंत्रण और आमंत्रण की आवश्यकता। आचार्य गण लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बड़े चतुर होते हैं। वे कैसे भी करके भगवान के साथ, भक्तों के साथ अपना मिलान कर लेते हैं। परंतु एक बहुत बड़ी बात हो रही है, नारद मुनि जैसे महान संत आज वसुदेव जी के घर पर बिना बुलाए, बिना निमंत्रण, बिना आमंत्रण के आए हैं। तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम्। वसुदेव जी के घर पर आए। सुखदेव गोस्वामी की कथा करने की शैली भी अद्भुत है। सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? नारद जी वसुदेव जी के घर पर गए नहीं, नारद जी वसुदेव जी के घर पर आए। इसका अर्थ है सुखदेव गोस्वामी खुद वसुदेव जी के घर पर बैठे हैं। बोले वसुदेव जी के घर पर नारद जी आए बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के। शास्त्र का एक सिद्धांत है, जब भी किसी भक्त के घर पर जाना हो, मित्र के घर पर, पिता के घर पर, गुरु के घर पर और भगवान के पास बिना बुलाए चले जाना चाहिए। वहां निमंत्रण और आमंत्रण की राह नहीं देखनी चाहिए। हाँ, हम जानते हैं भागवत कथा हो रही है लेकिन कार्ड नहीं मिला है, तो तेरा दुर्भाग्य है कार्ड नहीं मिला था। भगवत कथा सुनने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए या गुरु के पास जाने के लिए निमंत्रण की राह नहीं देखनी चाहिए। आज नारद मुनि बिना निमंत्रण के ही वसुदेव जी के घर पर जा रहे हैं, यह सोचकर कि आखिर तो भगवान श्री कृष्ण के पिता है। कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, कितने धन्य हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस करोड़ों जीवों की सृष्टि में वसुदेव जी को अपने पिता के रूप में चुना है। कुछ विशेषता है, कुछ महानता है। तो ऐसे महान व्यक्ति के घर पर जाने के लिए निमंत्रण की राह नहीं देखनी चाहिए। भक्तों, भागवत में जहां सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा सुना रहे थे, तो उस गंगा के तट पर हजारों ऋषि मुनि अपने शिष्यों को साथ में लेकर उपस्थित हो गए। किसी भी ऋषि मुनियों को निमंत्रण नहीं था, परंतु कृष्ण कथा हो रही है तो हम जाएंगे। सूद गोस्वामी नैमिषारण्य में कथा सुनाना प्रारंभ किए, वहां पर हजारों ऋषि मुनि आए। यहां तक पितामह भीष्म मृत्यु के समय कुरुक्षेत्र की भूमि में जब युधिष्ठिर महाराज को भगवत कथा सुना रहे थे, पता चला पितामह भीष्म कुछ बोलने जा रहे हैं, कुछ उपदेश देने जा रहे हैं,
तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना। सूद गोस्वामी कहते हैं उस समय पितामह भीष्म के मुख से भगवत कथा सुनने के लिए इस संसार में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि, कैसे ऋषि, भुवनम पुनाना, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले अत्यंत पवित्र ऋषि उस पितामह भीष्म की सभा में पधारे। वहां पर कोई निमंत्रण नहीं, कोई आमंत्रण नहीं, और एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है भक्तों। उस समय जमदग्नि के पुत्र साक्षात परशुराम भी उपस्थित हुए। पितामह भीष्म के मुख से उपदेश सुनने के लिए परशुराम जी अपने सशिष्यात् अपने शिष्यों को साथ में लेकर आए। यद्यपि परशुराम और पितामह भीष्म के बीच में झगड़ा था, आपसी वैर था। एक महाभारत का प्रसंग है, अंबा के कारण, अंबा, अंबिका, अंबालिका तीनों का हरण किया था पितामह भीष्म ने। अंबा को छोड़ दिया, शाल्व नरेश ने उनको ग्रहण नहीं किया, तो पितामह भीष्म को कहने लगी आप मेरे साथ विवाह करो। पितामह भीष्म ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है, मैं विवाह नहीं कर सकता। बोले विवाह करना होगा, नहीं कर सकता, करना होगा, नहीं कर सकता। तब अंबा पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास गई, क्योंकि पितामह भीष्म ने परशुराम जी से धनुर्विद्या का ज्ञान ग्रहण किया था। बोले आपके शिष्य को समझाओ ना, मेरे साथ विवाह नहीं कर रहा है। बोले चलो मैं समझाता हूं। परशुराम जी आए, देवव्रत तुम अंबा के साथ विवाह कर लो। बोले गुरुदेव आप जो कहो स्वीकार, परंतु शादी तो मैं नहीं करूंगा। परशुराम जी ने कहा विवाह करो, नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। पितामह भीष्म ने कहा मंजूर है, युद्ध करूंगा, आपके साथ एक बार करना पड़ेगा, शादी किया तो रोज युद्ध करना पड़ेगा, उससे अच्छा एक बार कर लूं भले हार जाऊं। गुरु और चेले के बीच में धमासान युद्ध हुआ, अनेकों वर्षों तक युद्ध चला। नारद मुनि आए, दोनों को अलग किया। भूतकाल में झगड़े थे, झगड़ा किया था, लेकिन जब परशुराम जी को पता चला पितामह उपदेश दे रहे हैं, तो सारे शत्रुता को, वैर को भूलकर अपने शिष्य को साथ लेकर वहां पर पहुंच गए। जब भगवत कथा होती है या कोई पुण्य पवित्र कार्य होता है, तो अपने सारे दोषों को, अपने पुरानी शत्रुता को भूलकर वहां पर बिना निमंत्रण के ही पहुंच जाना, ये बुद्धिमानी मानी जाती है। आज नारद मुनि को कोई निमंत्रण नहीं है, परंतु फिर भी नारद मुनि वसुदेव जी के घर पर पधार रहे हैं। वसुदेव जी के घर पर जैसे ही नारद मुनि आए, क्या किया वसुदेव जी ने? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम अर्चितम सुखमासीनम अभिवाद्येदम ब्रवी। सर्वप्रथम वसुदेव जी ने नारद मुनि का स्वागत किया, अद्भुत स्वागत। नारद मुनि को बहुत सुंदर आसन पर विराजमान कराया, और आसन पर विराजमान करके अर्चितम उनकी पूजा की, उनकी आरती उतारी गई, नारद मुनि को बहुत सुंदर फूल की माला पहनाई गई, और फिर अभिवाद्य। श्री वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, नारद जी घर पर आए हैं, तो उस समय वसुदेव जी अभिवादन करने लगे कि हे नारद मुनि, आज आप हमारे घर पर आए, हम धन्य हो गए हैं। कितनी सुंदर बात वसुदेव जी कहते हैं। बोले हे नारद मुनि, आज तो घर बैठे गंगा आ गई है। गंगा जाने के लिए श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा के साथ परिश्रम चाहिए, लेकिन आज तो मेरा इतना बड़ा सौभाग्य कि आज घर बैठे गंगा आ गई। आप जैसे संतों को तो ढूंढना पड़ता है, ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसे महान संत आज मेरे घर पर आए, निश्चित भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है।
क्योंकि यदि भगवान की कृपा न होती तो संतों का दर्शन कैसे होता। हनुमान जी महाराज लंका को पार करके जब समंदर को पार करके लंका पहुंचे हैं, सीता को खोज रहे हैं, और सीता जी को खोजते खोजते उनकी दृष्टि एक दिव्य गृह के ऊपर गई, जिस घर पे बहुत सुंदर ध्वजा थी, भगवान श्री रामचंद्र के आयुध के अंकित करते हुए ध्वजा, और बहुत सुंदर तुलसी का पौधा था, और भगवान का मंदिर बहुत सुंदर अलग से बनाया हुआ, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज आकाश से देख रहे हैं, निश्चित कोई राम का भगत है। तब तक तो उसी समय रावण का भाई विभीषण जगा, और जगते ही भगवान राम का नाम लेने लगा, राम राम राम। हनुमान जी समझ गए कि निश्चित ये कोई राम का भगत है, अब मैं इसके साथ मिलूंगा, इसके साथ पहचान करूंगा। वैसे तो मैं निकला हूं सीता को खोजने के लिए, लेकिन मैं जानता हूं कि साधु संत को मिलने से हमारे कार्य की कभी भी हानि नहीं होती है, मेरा कार्य सिद्ध होगा। हनुमान जी महाराज विभीषण से मिले हैं, कह विभीषण कह रहनी रहनी तुहारी। विभीषण जी कैसे रहते हो? विभीषण जी कहते हैं 32 दांतों के बीच में जैसे जीव रहती है, वैसे असुरों के बीच में रहता हूं। दोनों ने अपनी अपनी पहचान बताई। विभीषण अंत में कहते हैं, तामस वेश किछु साधन नाही। हे हनुमान जी महाराज, तामसी वेश धारण करके रखा है, असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, असुरों के बीच में रहता हूं, किसी भी प्रकार का साधन नहीं करता। तामस वेश किछु साधन नाही, असुर कुल में रहता हूं, असुरों के बीच में किसी भी प्रकार का साधन नहीं, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? हनुमान जी महाराज, आज तक मेरे मन में ऐसा था कि मुझे भगवान कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि मेरे जैसे अधम के ऊपर राम की कृपा कभी नहीं हो सकती, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मुझ पर राम की कृपा है। अब मोही भा भरस हनुमंता। ए हनुमंत, ए हनुमान जी, आज मुझे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, अब मोही भा भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। क्योंकि बिना हरि की कृपा से संत नहीं मिल सकते, हरि की कृपा के बिना साधु का दर्शन घर पर कभी नहीं हो सकता। यदि हमारे घर पर कोई साधु पधारे, संत पधारे, समझ लेना चाहिए ये भगवान की प्रथम कृपा हो गई। और जिनके घर पर संत का आगमन हुआ, आज नहीं तो कल उनके घर पर भगवान का आगमन अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वसुदेव जी कहते हैं कि हे नारद जी, कितना सुंदर वाणी से स्वागत करते हैं भक्त, तो हमारे घर पर भी अतिथि आते हैं, थोड़ी दृष्टि हम हमारे ऊपर कर लेते हैं, हमारे घर पर अतिथि आते हैं, चलो भाई अतिथि को ड्राई फ्रूट मिल्क शेक न पिला सको तो कोई बात नहीं है, कम से कम पानी का ग्लास तो दो, और पानी का ग्लास न दो तो कोई बात नहीं लगता है। कह सकते हैं ना कि बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, हम तो राह देखते थे कि आप कब आओगे, आज आप आ गए, लेकिन हम लोग आज तो शहर में लोग इतने एडवांस हो गए हैं, अपने घर पर दो दो दरवाजे रखते हैं, कोई मुसाफिर बहुत दूर से आया है, पसीने से लथपथ है, बेल बजाता है, बड़े बड़े लोग तो बेल बजाने की भी नौबत नहीं आने देते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड को ही कह के रखते हैं ऊपर आने मत देना किसी को, और यदि वो कैसे भी करके घर पर आ भी जाता है तो एक दरवाजा खोलते हैं, कौन हो, कहाँ से आए, क्या नाम है, कब तक रहोगे, क्या करोगे, किसके पुत्र हो, किसने भेजा, कहाँ से भेजा, क्यों भेजा, क्या करोगे, किसका काम है, अरे भाई अंदर तो आने दे उसको,
बेचारा गर्मी से मर रहा है, पानी पिलाओ है? बिल्कुल, एक तो आधा तो मरा हुआ है और हम लोग प्रश्न पूछकर आधा मार देते हैं। अतिथि भी सोचता है कि मैं यहाँ क्यों आ गया है? अतिथि का स्वागत ऐसे करे कि यदि वह शत्रु भी हो, दुश्मन भी हो, तब भी उनका हृदय बदल जाए, मित्र बन जाए। वसुदेव जी अपने मुख से सुंदर वाणी से स्वागत कर रहे हैं, कहते धन्य है आप जैसे संत तो पारस मणि के समान है। पारस और संत में बड़ो अंतर जान। अरे मैं तो कहता हूं नारद मुनि, आप तो पारस से भी महान हो, क्योंकि पारस मणि लोहे को सोना बना देती है। पारस जो होता है वो लोहे पर घिसने से लोहा सोना बन जाता है, लेकिन आप जैसे संत जिसको मिल जाते हैं वो आप जैसे संत ही बन जाते हैं, वो आपकी तरह बन जाते हैं। पारस और संत में बड़ो अंतर जान, पारस लोहे को कंचन करे, संत करे आप समान। साधु तो अपने जैसा साधु बना देता है। आप आज हमारे घर पर आए, हम धन्य हो गए। बहुत सुंदर पूजा की, चंदन लगाया, हार पहनाया और नारद मुनि का अभिवादन करते हुए वसुदेव जी कहते हैं, श्री वसुदेव वाच भगवन भवतो यात्रा स्वस्त ये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्तमानां। हे भगवन, नारद मुनि को बहुत सुंदर आसन पर बिठाया गया, वसुदेव जी उनके चरणों में बैठे हैं और चरणों में बैठकर संबोधन क्या देते हैं? भगवान है? पहले के जमाने में दूसरों को आदर देने के लिए भगवान शब्द कहा जाता था। यहां पर भगवान का अर्थ षड ऐश्वर्य पूर्ण नहीं है, है? के छह ऐश्वर्यों से विभूषित भगवान शब्द आदर के लिए कहा गया है। पहले के जमाने में आदर के लिए लोग भगवान कहते थे। समय जाता गया तो धीरे धीरे करके भगवान भूल गए और श्रीमान कहने लगे, श्रीमान फलाने भाई है। अब तो श्रीमान भी निकल गया, सर, अब तो सर आ गया। तो यहां पर नारद मुनि को आदर देने के लिए भगवान कह रहे हैं, और नारद मुनि को भगवान कहना यह कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि नारद मुनि भगवान के परम भक्त हैं। और कभी कभी ऐसा आचार्यगण लिखते हैं, तस्मिन तज्जने अभेद भावात। कभी कभी भक्त को भी भगवान कहा जाता है, क्यों, किस सिद्धांत के ऊपर? क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट रूप से। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण। क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है, भक्त के हृदय में भगवान प्रकट रूप से होते हैं, इसलिए भक्त को भी भगवान कहा जाता है। नारद मुनि को भगवान कह रहे हैं क्योंकि साक्षात भगवान नारद मुनि के हृदय में विराज रहे हैं। और फिर भी नारद मुनि को भगवान कह सकते हैं क्योंकि नारद मुनि भगवान के 24 अवतारों में से एक है, साक्षात भगवान के अवतार। तो ऐसे नारद मुनि को कहते हैं कि हे भगवान, भवतो यात्रा, भवत माने आदर के साथ, आपकी यात्रा, हे नारद मुनि, आप यात्रा करके हमारे घर पर आए हो, आप इतनी दूर से अपने मंदिर मठ से जहां कहीं से भी आप हमारे घर पर आए हो, तो आपका हमारे घर पर आना ये निश्चित ही हमारे कल्याण के लिए है। नारद मुनि, मैं जानता हूं कि आप मेरे कल्याण के लिए मेरे घर पर आए हो। और हमारे घर पर कोई साधु आता है तो क्या सोचते हैं? अपना कल्याण करने के लिए आया है, कुछ डोनेशन लेने आया होगा। हमारे घर पर जब साधु आते तो हम सोचते हैं कि ये साधु अपना कल्याण करने के लिए आया है,
कुछ भोजन मांगने आया है, कुछ पैसा मांगने आया है, लेकिन विचार कीजिए कृष्ण के पिता वसुदेव जी क्या सोचते हैं कि हे नारद मुनि, आप जैसे संत जब अपने घर से चलते हैं तो उनकी यात्रा स्वस्तयने सर्वदेही नाम, इस संसार में रहने वाले सभी जीवों के कल्याण के लिए होती है। संतों की यात्रा, संतों का चलना वासों में संतों के लिए नहीं होता, वो तो जगत के कल्याण के लिए होता है। भक्तों, इसी प्रकार का प्रसंग नंद बाबा के घर पर जब गर्गाचार्य जी आए हैं, इसी प्रकार का यहां पर नारद मुनि आए वसुदेव जी के घर पर, ये भी कृष्ण के पिता और नंद बाबा भी कृष्ण के पिता, और उस नंद बाबा के घर पर गोकुल में जब गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने यही कहा था, महद्विचलनम निर्णाम गृहिणाम दीन चेत साम। हे गर्गाचार्य जी, आप जैसे महात्मा जब अपने घर से चलते हैं, अपने मंदिर मठ से चलते हैं, तो अपने लिए नहीं है? हमारे जैसे गृहस्थी में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने के लिए वे आते हैं। नारद जी, मैं जानता हूं कि आप संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए इस संसार में विचरण करते हैं, और जगत का उद्धार हो सकता है तो मेरा भी उद्धार होगा, मेरा भी कल्याण होगा। भक्त, ये सत्य बात है कि साधु संत महात्मा की प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक कार्य स्वस्तयने सर्वदेही नाम, सर्वदेही नाम सभी जीवों के कल्याण के लिए होता है। साधु का कार्य अपने लिए नहीं होता, साधु जो होते हैं वह दूसरों के लिए कार्य करते हैं। इसलिए तो कहा गया, जब गरुड़ जी ने काकभूषणी जी से पूछा कि हे काकभूषणी जी, बताइए संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं, तब काकभूषणी जी उत्तर देते हैं, पर उपकार वचन मन काया संत सुभाव सहज खगराया। ये खगराज है खगों के देवता गरुड़। गरुड़, साधु किसे कहते हैं यदि ये जानना है तो साधु उसे कहते हैं जिसका जीवन दूसरों के लिए होता है। पर उपकार वचन मन काया, जो अपनी वाणी से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से दूसरों के लिए जिए, जिसका जीवन दूसरों के लिए, उसे साधु कहते हैं। हे नारद मुनि, आप अपना कल्याण करने के लिए नहीं, आप तो स्वयं मुक्त हो, जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए संसार में विचरण करते हो। विचार कीजिए वसुदेव जी की कितनी उच्च विचारधारा है, कितना ब्रॉड माइंड है कि वे संतों के विषय में इतना सुंदर सोचते हैं। आज तो लोग संतों की सेवा तो नहीं कर पाते, परंतु संतों को देखकर उनके विषय में बुरा बुरा सोचते हैं। भक्तों, इस संसार में हम गृहस्थी लोग कब के जलकर राख हो गए होते यदि संसार में संत न होते। एक कवि ने लिखा है, संत न होते जगत में जल जातो संसार। इस दुनिया में इतने पाप हो रहे हैं, इतने कुकर्म हो रहे हैं कि इस पाप के फल स्वरूप ये जगत कब का जल गया होता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, संसार दावा नललीड लोक, ये संसार तो दावा नल की तरह जल रहा है, और जलते हुए संसार को कोई नहीं रोक सकता। जैसे दावा नल की अग्नि को कोई नहीं बुझा सकता, यदि हम चाहे दो पांच बाल्टी लेकर जंगल की आग को, दावा अग्नि को बुझा दे, या फायर ब्रिगेड लेकर जाए और उस अग्नि को बुझा दे, ये कभी हो नहीं सकता। जैसे जंगल के दावानल को कोई नहीं बुझा सकता, वैसे इस संसार में जो दुख रूपी आग लगी हुई है इसे कोई नहीं बुझा सकता। परंतु उस जंगल में लगी हुई आग के ऊपर यदि बादल बन जाए, नारद मुनि का
बहुत सुंदर स्वागत करते हैं कि हे नारद जी, आपकी यात्रा, आपका चलना हमारे कल्याण के लिए है। तो यात्रा स्वस्थ ये सर्वदेहिनाम कृपणा नाम यथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्तमना। कृपणा नाम यथा पित्रो, आप जैसे संत पितरों की समान। पितरों का अर्थ होता है माता पिता। कृपणा का अर्थ होता है करुणा। आप जैसे संत, जैसे किसी माता पिता अपने पुत्र के प्रति सौहार्द होते हैं, जैसे माता पिता सदैव अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, चाहे पुत्र कैसा भी क्यों ना हो। वसुदेव जी नारद मुनि जैसे संत को पितरों की उपमा दे रहे हैं, माता पिता की उपमा दे रहे हैं। जैसे माता पिता में एक गुण होता है, पुत्र कैसा भी हो फिर भी माता पिता उनके घर पर जाते हैं, वैसे संत चाहे व्यक्ति अच्छा हो या बुरा उनके घर पर जाते हैं। माता पिता का दूसरा गुण, उनका बेटा करोड़पति हो फिर भी उसके घर पर जाते हैं, रोड़पति हो फिर भी उसके घर पर जाते हैं। लेकिन भक्तों आपने देखा होगा, माता पिता का प्रेम, मान लो एक माता पिता के दो पुत्र हैं, एक पुत्र के पास करोड़ों रुपये हैं और एक पुत्र बेचारे भोजन के वांदे हैं, तो जिसके पास बहुत धन है जो सुखी पुत्र है, माता पिता का प्रेम उसके प्रति नहीं होगा। माता पिता का उस सुखी पुत्र से कोटि गुना ज्यादा उस दुखी पुत्र के प्रति होगा, उनका स्वाद उनके प्रति होगा। ठीक उसी प्रकार यहां पर नारद मुनि कहते हैं कृपणा नाम यथा पित्रो, जैसे माता पिता अपने दुखी संतानों के प्रति सुहद होते हैं, जैसे माता पिता अपने दुखी पुत्र के घर पर जाते हैं, वैसे आप मुझ जैसे दुखी व्यक्ति के घर पर आए हो मुझे सुख देने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए। और वास्तव में देखा जाए तो जो संत होते हैं ना, वे कभी सुखी व्यक्ति के घर पर नहीं जाते हैं। साधु किसी धनी व्यक्ति के घर पर नहीं जाते हैं। साधु तो मात्र दरिद्र के घर पर पतित जीवों का उद्धार करने के लिए जाते हैं। नहीं तो विचार कीजिए, चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए राजा प्रताप रुद्र ने कितनी मेहनत की। दक्षिण भारत के राजा, उड़ीसा के राजा थे प्रताप रुद्र, बहुत बड़े राजा, और वे चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। उन दिनों चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया था, तो राजा प्रताप रुद्र ने अनेकों बार प्रयास किया, सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि आप कुछ महाप्रभु के साथ मेरा मिलन करा दीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को कहा कि आप, आपके भगत राजा प्रताप रुद्र से मिल लीजिए, आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी हूं और सन्यासी किसी राजा से नहीं मिलते हैं, क्योंकि राजा रात दिन भोगों में फंसे रहते हैं और ऐसे भोगों में मदमस्त जीवों से मिलकर हमारा पतन हो सकता है, हम नहीं मिलेंगे। राजा प्रताप रुद्र ने किसी और को कहा। राय रामानंद गोदावरी के तट से आए, उन्होंने महाप्रभु को कहा कि आप मिल लीजिए, बोले मैं नहीं मिलूंगा। स्वरूप दामोदर ने कहा कि आप राजा प्रताप रुद्र से मिलिए। चैतन्य महाप्रभु ने वार्निंग दे दिया कि आप लोग बार बार मेरे पास आ रहे हो और मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं उस राजा प्रताप रुद्र से मिलूं। अब की बार मुझे किसी ने भी कहा कि उस राजा से मिलने के लिए मैं तुम सबको छोड़कर चला जाऊंगा। इसे कहते हैं संत, जो राजाओं को छोड़कर दरिद्र के घर पर जाते हैं, दुखी जीवों के घर पर जाते हैं उनको सुख देने। और आज के संत राजाओं को ढूंढते रहते हैं, पैसे वाला आदमी कहाँ है, पैसे वाले को ही पकड़ते हैं, गरीबों से उनका कोई लेना देना नहीं। वास्तव में वो संत नहीं है, वो साधु नहीं है,
जो मात्र दूसरे के धन को, पैसे को, ऐश्वर्य को देखता है। तो कृपणानाम यथा पित्रो, जैसे पितृ, जैसे माता पिता अपने पुत्र के प्रति सुहृद होते हैं, वैसे आप मेरे ऊपर सुहृद हो, इसलिए आप मेरे घर पर आए हो। उत्तम श्लोक वर्तमानाम, मैं जानता हूं आप उत्तम श्लोक, उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा जिसकी कीर्ति गाई जाती है, उत्तम उत्तम भागवत जैसे श्लोक में जिस भगवान विष्णु को भरा गया है, मैं जानता हूं उस भगवान विष्णु के आप परम भक्त हो। और ऐसे परम भक्त, ऐसे परम साधु आज मेरे घर पर आए, मैं तो धन्य हो गया है। मैं तो धन्य हो गया। आप जैसे साधु बड़े बड़े देवताओं से भी महान होते हैं। हमारे घर पर कोई देवता आया होता तो मैं उतना प्रसन्न न होता, लेकिन आप मेरे घर पर आए, आज मैं प्रसन्न हो गया, क्योंकि साधु जो होते हैं वे देवताओं से भी महान होते हैं। क्योंकि संसार में देखा गया है कि देवता 33 करोड़ देवी देवता संसार के जीवों को सुख देते हैं, लेकिन जितना सुख देते हैं उतना दुख भी देते हैं। भूतानाम देव चरितम दुखाय च सुखाय च सुखायेव हि साधूना त्वादृशा मच्युतात्मना। हे नारद मुनि, आपका चरित्र, साधुओं का चरित्र देवताओं से भी महान है, क्योंकि भूतानाम देव चरितम, क्योंकि देवताओं का चरित्र कैसा है, कहते हैं भूतानाम जीवों के लिए। भक्त, ये भूत शब्द का अर्थ है जीव है? अक्सर मैं कहता हूं ये संस्कृत शब्द है, ये जो जीवात्माएं है ना, जीव, उनको संस्कृत में भूत कहा जाता है, और गुजराती में भूत का अर्थ क्या होता है, भूत, प्रेत। गोस्वामी जी ने दोनों का समन्वय कर दिया कि वैसे जो लोग मनुष्य देह प्राप्त किए हैं, और मनुष्य देह प्राप्त करके जो भगवान श्री राम और कृष्ण का भजन करते हैं, वो संस्कृत वाले भूत है, मनुष्य। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके राम कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, वो गुजराती वाले भूत है। तो भूत बनने से बचना चाहिए, लेकिन यहां पर संस्कृत भूत है? भूत माने जीव। देवताओं का चरित्र, देवताओं का कार्य, भूतानाम संसार के जीवों के लिए दुखायच सुखायच। कभी कभी सुख देवतागण कभी कभी सुख देते हैं, तो कभी कभी दुख देते हैं। आप देखते हो कि सूर्य देवता ठंडी में कितना सुख देते हैं, जब ठंडी होती है तब राह देखते हैं सूर्य की किरण कब आएगी, और जहां पर सूर्य की किरण आती है तो वहां पर बैठ जाते हैं। लेकिन वही सूर्य देवता ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में दुख देते हैं। चंद्रमा कभी कभी गर्मी में आनंद देते हैं, शीतलता देते हैं, और कभी कभी ठंड में सर्दी प्रदान करते हैं। पवन देवता, पवन यदि मंद मंद सुमंद बहता रहे तो कितना आनंद आता है। लोग हवा खाने के लिए महाबलेश्वर जाते हैं, लेकिन वही पवन देवता तेज गति से बहने लगे तो बड़े बड़े मकानों को उड़ा देता है। तो देखिए, सूर्य देवता सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं, चंद्रमा सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं, पवन देवता सुख देते हैं दुख देते हैं, भूमि, ये पृथ्वी हमको कितना सुख दे रही है, है? पानी पीना है बोरिंग कर दो तुरंत जल बाहर निकल जाता है। इस संसार में जितने भी अन्न सब्जी फल इत्यादि सब कुछ पृथ्वी से उत्पन्न होता है, ये पृथ्वी हमको कितना सुख प्रदान करती है। लेकिन 1996 कच्छ का भूकंप,
थोड़ी सी हिल गई, हजारों लोग मर गए। एक ही देवी इतना सुख देती है तो कभी कभी दुख दे देती है। वरुण देवता कितना सुख देते हैं, समंदर के तट पर बीच पर लोग घूमने जाते हैं। वरुण देवता समंदर के देवता है, समुद्र जो है भगवान की एक विभूति है, जहां पर समस्त पवित्र नदी आकर मिलती हैं और इसी समुद्र के जल से बादल बनते हैं और वर्षा प्राप्त होती है। तो वरुण देवता समुद्र का अत्यंत सुख प्रदान करते हैं, लेकिन कभी कभी वही वरुण देवता अपनी बाउंड्री खोल देते हैं, सुनामी आ जाती है और लाखों लोग मर जाते हैं। भूता नाम देव चरितम दुखायच सुखायच, ये देवता कभी कभी सुख देते हैं तो कभी कभी दुख दे देते हैं। देवताओं का चरित्र कुछ ऐसा है, वो मात्र सुख नहीं देते, वे सुख भी देते हैं और समय आने पर दुख भी देते हैं। ये नारद मुनि वसुदेव जी कहते हैं कि नारद जी, देवतागण सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं, लेकिन आप जैसे संत संसार के जीवों को मात्र सुख ही सुख प्रदान करते रहते हैं। सुखाए वही साधु ना, सुखाए वही साधु ना, द्वादृशामच्युतात्मना। सुखा एव ही साधु नाम, साधु जो होते हैं सुख एव, मात्र सुख ही देते हैं। साधु का काम ही है सुख देना। अब देखिए रत्नाकर नाम का डाकू कितना परेशान था, नारद मुनि उनको मिल गए, परम सुखी बना दिया। राजा चित्रकेतु कितने दुखी थे, अपना पुत्र मर गया, हजारों रानियां थी और बहुत मुश्किल से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और राजा चित्रकेतु का वह पुत्र जब मर गया उनको बहुत शोक हुआ। और उस समय नारद मुनि अंगिरा जी वहां पर आए, बस नारद मुनि का आगमन राजा चित्रकेतु के दुख को दूर करने के लिए है। नारद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और नारद जी के उपदेश से चित्रकेतु राजा का सारा दुख चला गया, परम सुखमय हो गए। ध्रुव महाराज है, ये नारद का लिस्ट में गिना रहा हूं। नारद मुनि बस दूसरों को सुख देने के लिए ही संसार में विचरण करते, चाहे ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो या फिर साक्षात भक्ति महारानी हो। नारद मुनि जब वृंदावन में गए, भक्ति महारानी परेशान थी, उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके थे, मूर्छित हो गए थे, लेकिन नारद मुनि ने उनको भी जीवित कर दिया। इसलिए वसुदेव जी कहते हैं, सुखाए वही साधु ना, साधु का काम ही है सुखा एव ही। संस्कृत जानने वाले देख सकते हैं, साधु नाम सुख, उसमें दो शब्द बीच में लगा है, एव और ही। साधु जो है सुख ही देते हैं और एव उसको दृढ़ करने के लिए, साधु सुख 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 देने के लिए ही है। लेकिन एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है साधु संसार के लोगों को सुख देने के लिए ही विचरण करते हैं, लेकिन साधु को कोई दुखी कर दे तो, साधु को यदि कोई नड़ जाए तो, साधु को यदि कोई परेशान करे तो कहते हैं साधु को यदि कोई परेशान करे फिर भी साधु उसको सुख ही देते हैं। साधु को परेशान कर रहे हैं, इसको शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है, साधु जो होते हैं अपकार करने वालों के ऊपर भी उपकार ही करते हैं। कोई साधु का कितना भी बिगाड़ दे, कोई किसी साधु की कितनी भी निंदा करे, कितना भी बुरा भला बोले, कितना भी बुरा सोचे और उस साधु का कितना भी बुरा करे,
लेकिन साधु कभी भी उसके लिए बुरा नहीं सोचते। साधु तो बुरा करने वालों के लिए भी सुख ही प्रदान करते हैं, इसे साधु कहते हैं। इसका ज्वलंत प्रमाण विष्णु पुराण में प्रहलाद महाराज की कथा विस्तार से बताई गई है। जब हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को आदेश दे दिया, जाओ इसे मार डालो, तो शंड और अमरक प्रहलाद को लेकर गए। प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया। दिग्गजे दंद सुकेश अभिचाराव पातने, हाथियों के नीचे कुचलने का प्रयास, सर्पों के भरे हुई काल कोटड़ी में डालकर मारने का प्रयास, पर्वत से फेंक कर मारने का प्रयास, अनेकों प्रयास से जब प्रहलाद नहीं मर रहे थे, उसी समय शंड और अमरक ने अपनी जटा को निकाला, पृथ्वी पर पटकते ही एक कृत्या को उत्पन्न कर दिया और आदेश दे दिया उस कृत्या को, मार डालो इस प्रहलाद को। विष्णु पुराण में वर्णन है, हाथ में त्रिशूल लेकर वह कृत्या दौड़ती हुई प्रहलाद के पास गई, लेकिन प्रहलाद न चचाल भू, एक कदम भी अपने पीछे नहीं हटे, क्योंकि भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, यदि मैं कृष्ण का भजन करता हूं, यदि मैंने जीवन में किसी का भी बुरा नहीं किया, तो ये कृत्या और ये त्रिशूल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पूर्ण विश्वास था। वह कृत्या दौड़ कर आई, अपने हाथ में त्रिशूल लेकर प्रहलाद के वक्ष स्थल के ऊपर प्रहार किया। वेद व्यास विष्णु पुराण में लिखते हैं, उस समय ही उस त्रिशूल के 1000 टुकड़े हो गए। कृत्या समझ गई कि इस बालक का कोई दोष नहीं, मुझे प्रकट करने वाले शंड और अमर का दोष है। तुरंत कृत्या ने दूसरा त्रिशूल उठाया और दूसरे त्रिशूल से शंड और अमर ये दोनों को ही मार डाला, का गला उड़ा दिया। कुछ लोगों ने ताली बजाई, प्रहलाद ने कितनी ताली बजाई होगी, क्योंकि ये कितने दिनों से परेशान कर रहे थे शंड और अमर। परंतु भक्तों, धन्य है प्रहलाद, जिस समय कृत्या ने उस शंड और अमर को मार डाला, प्रहलाद जानते थे कि इन दोनों ने मुझे मारने का कितना प्रयास किया, पर्वत से फेंका, हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास, अनेकों प्रयास। लेकिन साधु का हृदय तो देखिए भक्तों, उस समय भी प्रहलाद अपने गुरु शंड और अमर के लिए रो रहे हैं। और जो लोग प्रहलाद को मारने के लिए अड़ गए थे, प्रहलाद को मारने का आदेश दे चुके थे, ऐसे अपने ही द्रोही शंड अमर को जीवित करने के लिए प्रहलाद ने भगवान का स्मरण किया, हे भगवान विष्णु, यदि मैंने मेरे जीवन में स्वप्न में भी किसी से द्रोह न किया हो, मैंने मेरे जीवन में स्वप्न में भी किसी का बुरा न सोचा हो, तो ये दोनों शंड और अमर अभी जीवित हो जाए। आज तक मैंने तो कोई साधन नहीं किया, लेकिन जितना भी किया, मैं मेरी सारी भक्ति सारी तपस्या इन दोनों को प्रदान करता हूं, प्रभु आप इनको जीवित कर दीजिए। कितनी सुंदर भावना है, इसे कहते हैं साधु। जो अपकार करने वाले हैं, मार चुके थे समझिए, लेकिन उस पर भी कृपा करते हैं, इसे कहते हैं साधु। भागवत के नवम स्कंद में अम्बरीश महाराज की कथा आती है, भगवान के परम भक्त स्वप्त द्वीपवती महिम, सातों द्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अम्बरीश महाराज के पास जितना धन था, उतना धन यदि आज किसी व्यक्ति के पास आ जाए तो वो पागल हुए बिना नहीं रह सकता है। इतना धन था अम्बरीश के पास, लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज के पास इतना धन होते हुए भी वो धन को क्या समझते थे, यत लोष्टवत स्मृतम, उस अपने धन को माटी का ढेला समझते थे, ये कुछ काम की चीज नहीं। क्यों? परीक्षित ने पूछ दिया कि इतने बड़े संसार में सुबह से लेकर रात तक लोग जिस धन के लिए प्रयास करते हैं, रात दिन जिस धन को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, उस धन को प्राप्त करके भी
महाराज अम्बरीश उसे माटी का ढेला समझते थे, ऐसी क्या बात थी? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, क्योंकि महाराज परीक्षित का मन कृष्ण में लग चुका था। सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वांचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्ज नादिशु श्रुतिम चकारा चुत्सत कथो दये। उनका उनका मन भगवान के चरणों में लगा था, उनकी उनके कर्ण भगवत कथा में, उनकी जीवा भगवान के गुणानुवाद करने में, उनके शरीर के प्रत्येक अंग भगवान की भक्ति में लग चुके थे। ऐसे महाराज अम्बरीश के घर पर दुर्वासा ऋषि आए, पारण का समय हो गया था। दुर्वासा ऋषि ने कहा भोजन तैयार करो, स्नान करके आता हूँ। जब तक स्नान करके आए तब तक पारण का समय बीत रहा था। ऋषि मुनियों से सलाह लेकर अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा ऋषि को पता चलते ही दुर्वासा ऋषि ने उसी समय दुर्वासा ऋषि ने भी जटा उखाड़ के कृत्या को प्रकट किया और वह कृत्या महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन उसी समय भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। दुर्वासा ऋषि सुदर्शन से अपनी रक्षा करने के लिए दुनिया के लोक लोकांतर में घूमने लगे। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने पनाह नहीं दी, शिव जी ने भी उनको नकार दिया। अंत में दुर्वासा जी जिनका चक्र था उस भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा दुर्वासा जी मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं, प्रसंग तो बहुत बृहद है। दुर्वासा ऋषि ने कहा प्रभु आप तो करुणा के सागर, आपको मुझ पर करुणा नहीं आ रही, आपको मुझ पर दया नहीं आ रही है, आप मुझ पर दया करो। उस समय भगवान विष्णु ने इतना ही कहा दुर्वासा दया कहां से आती है, दया उत्पन्न होती है हृदय से, और मेरे भक्त मेरा हृदय है। अम्बरीश मेरा भक्त है और मेरा भक्त मेरा हृदय है। आज तुमने उसको मारने का प्रयास किया, मेरा हृदय जल गया, अब दया नहीं हो सकती है दुर्वासा, अब दया नहीं हो सकती है। यदि तुम इस सुदर्शन से रक्षा चाहते हो तो जिसका अपराध किया है उस महाराज अम्बरीश के पास जाओ। दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के पास आए, चरणों में गिर गए। जिस दिन से महाराज अम्बरीश वहां से निकले थे एक साल बीत गया। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि को गले लगा लिया और उस समय अम्बरीश महाराज ने प्रहलाद महाराज की तरह ही कह दिया कि यदि मैंने स्वप्न में भी किसी से वैर न किया हो, हृदय से भगवान का भजन किया हो, तो प्रभु ये सुदर्शन चक्र को आप शांत कर दो। शांत हो गया सुदर्शन। और उस समय दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आज मुझे पता चला है, अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति है अपने एक इशारे से संसार का सर्जन करे और एक इशारे से संसार का प्रलय करे। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ अर्जुन के ड्राइवर क्यों बन जाते हैं आज मुझे पता चला है। कृष्ण के भक्तों की महिमा आज मुझे पता चली। कृष्ण के भक्तों को कितना भी कोई दुखी करे लेकिन कृष्ण के भक्त किसी को दुखी नहीं करते, उल्टा दुखी करने वाले को सुखी करने का प्रयास करते हैं। सुखाये वही साधु नाम, साधु नाम साधु जो होते हैं दूसरों को सुखी करते हैं, यहां तक उनको दुखी करने वाले को भी सुखी करते हैं। इसलिए नरसिंह मेहता ने कहा ना, इसी को तो वैष्णव कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाए। कुछ ऐसे भक्त होते हैं मेरे जैसे कि यार सामने वाला दुखी करे तो हम चुप बैठे रहे। भक्त को यदि कोई दुखी करे तो भक्तों को कुछ नहीं करना चाहिए, दुखी करने वाले को भी सुखी करना चाहिए। हां शास्त्र का यह सिद्धांत, यदि भक्त दुखी करने वाले को दंड देने लगे तो फिर भगवान क्यों बैठे हैं? भक्त और भगवान के बीच में क्या संबंध रहा?
भक्त का तो एक ही संबंध भगवान के, वे दास हैं, फिर चाहे संसार के लोग प्रशंसा करें या निंदा करें। और यदि कोई भक्त के ऊपर प्रहार भी कर देता है फिर भी भक्तों को कुछ नहीं करना चाहिए। महात्माओं के मुख से एक बार सुना था कि एक बार भगवान श्री कृष्ण सुधर्म सभा से द्वारिका में अपने घर पर आए। रुक्मिणी ने बहुत सुंदर भोजन परोसा, कृष्ण भोजन करने लगे और भोजन करते करते कृष्ण अचानक दौड़ने लगे, वैकुंठ की ये बात है। और जैसे ही दौड़े अपने घर के द्वार तक पहुंचे तब तक तो खड़े रह गए और फिर वापस आए और भोजन करने लगे। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु बुरा न लगे तो बात पूछूं क्या? बोले, ये अभी आपने क्या किया हा? खाते खाते खड़े हो गए और दौड़ने लगे और फिर दौड़कर वापस आ गए। कृष्ण ने कहा, पृथ्वी लोक पर मेरा एक शुद्ध भक्त था और लोग उसे बहुत परेशान कर रहे थे, उसे बहुत परेशान कर रहे थे, मार रहे थे, और मेरे भक्तों को कोई परेशान करे मैं कैसे सहन करूं? मैं मेरा भोजन छोड़कर मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मैं दौड़ रहा था। तो प्रभु आप दौड़कर वापस क्यों आ गए, उसकी रक्षा क्यों नहीं किया? बोले, मैं तो जा रहा था मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए, लेकिन जब तक द्वार पर पहुंचा तब तक तो मेरे भक्त ने हाथ उठा दिया। अब मेरे भक्त को ही ये काम करना है तो मेरे जाने से क्या मतलब है? तो ये कार्य भगवान के लिए छोड़ देना चाहिए। हमें मात्र साधुओं को मात्र दूसरों को सुख देना चाहिए। तो सुखा ये वही साधु नाम त्वादृशाम अच्युत आत्मनाम। मन में प्रश्न हो सकता है ना, भौतिक जगत के लोगों के लिए तो ये मन के परे बात है, है? कि बोले दुखी करने वाले को भी सुखी करने का प्रयास, ये हाउ टू पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है? साधु जो होते हैं दुखी करने वाले को भी सुखी क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, उनके अंदर ऐसा गुण क्यों आया? तब इसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते हैं ये वसुदेव जी कहते हैं, त्वादृशाम अच्युत आत्मनाम। साधु जो होते हैं दुख देने वाले को भी सुख प्रदान करते हैं, क्यों? क्योंकि अच्युत आत्मनाम, क्योंकि साधुओं का जीवन, साधुओं का मन निरंतर भगवान में लगा रहता है। निरंतर साधु जो होते हैं निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, और जिसका मन निरंतर भगवान में लग गया, जिसका तांता भगवान से जुड़ गया, फिर संसार में कितने भी उत्पात हो, संसार से कितनी भी निंदा हो, गाली हो, साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि साधु का मन अच्युत आत्मनाम। आत्मा का एक अर्थ मन भी होता है, जिसका मन अच्युत में पूर्ण रूप से लग गया है, इसलिए साधु जो होते हैं किसी के ऊपर प्रहार नहीं करते। यहां पर भगवान का एक नाम दिया गया अच्युत, कृष्ण का एक नाम अच्युत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, इनका कभी भी च्युत नहीं होता, इनका कभी भी नाश नहीं होता है। भगवान के नाम का कभी अंत नहीं, भगवान की लीला का, भगवान के रूप का कभी अंत नहीं है, इसलिए कृष्ण को अच्युत कहा जाता है। और इसका दूसरा अर्थ है, प्रलय काल में जिसके भक्त का पतन नहीं होता, प्रलय काल में भी जिनके भक्त का पतन नहीं होता, ऐसे प्रभु को अच्युत कहा जाता है। आज तक भगवान के धाम में रहने वाले किसी भी भक्त का पतन नहीं हुआ, केवल दो भक्तों को छोड़कर, जय और विजय है, बाकी किसी का। और जय और विजय का पतन हो भी गया, वे भगवान के धाम से नीचे आए, फिर भी भगवान की करुणा तो देखिए, 5 बार उनको लेने के लिए आए हैं, 5 बार वराह अवतार लेकर, नरसिंह अवतार लेकर, राम अवतार लेकर, कृष्ण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं उनको।
अच्युत आत्म नाम। हे नारद मुनि, मैं जानता हूं आपका मन पूर्ण रूप से अच्युत में लग चुका है, इसलिए त्वादृश आप जैसे संत मात्र दूसरों के ऊपर कृपा करते हैं, दूसरों को सुख देने का काम करते हैं। क्या अंतर है साधुओं में और देवताओं में? और एक श्लोक में बताते हैं, भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथेवतान् छायेव कर्म सचिवा साधवो दिनवत्सला। भजन्ति ये यथा देवान्। साधुओं में और देवताओं में क्या अंतर है? भक्तों, आज तक लोग देवता और भगवान की तुलना किया करते थे, लेकिन आज वसुदेव जी भगवान को छोड़कर साधु और देवताओं की तुलना कर रहे हैं। भजन्ति ये यथा देवान्। जो लोग देवताओं को जिस प्रकार से भजते हैं, तथा अपि देवता उनको उस प्रकार से फल प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है, भक्तों, देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्रथम, बहुत बहुत मेहनत करने के बाद देवताओं से कुछ मिलता है, और दूसरी चीज, उस बहुत मेहनत करते हुए यदि थोड़ी सी गलती हो गई तब तो गए काम से। वही देवता जिसकी उपासना कर रहे हैं, वही देवता मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कल आपने सुना इंद्र के विषय में, बेचारे ब्रजवासी इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, अब एक वर्ष पूजा नहीं की तो इंद्र को इतना क्रोध करने की क्या जरूरत थी? और वक्तों, आश्चर्य करने वाली बात जानते हैं, इंद्र ने सांवर्तक मेघ को आदेश दिया, जाओ और ब्रज में इतनी बारिश करो कि सारे ब्रजवासी मर जाए। और वक्तों, उस समय वो बारिश ब्रज में ही हुई, बाहर कहीं नहीं हुई। अर्थात जो लोग इंद्र की भक्ति नहीं किए थे उनके लिए बारिश नहीं हुई, इंद्र की जो भक्ति करते थे उसी के लिए बारिश, और उन्हीं को मारने के लिए तैयार। ये है देवताओं का चरित्र। एक तो बहुत बहुत मेहनत प्रयास करवाते हैं और बाद में थोड़ा थोड़ा ही दे देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चाहे 50 रुपये के लड्डू चढ़ाकर 5 लाख का काम बनाना चाहे यदि कोई व्यक्ति, तो देवताओं से ये काम नहीं बन सकता है। बहुत सारे निवेद करने पड़ते हैं, मन्नत रखनी पड़ती है तब जाकर। क्यों? भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथेवतान्। देवता लोग बंधे हुए क्यों? क्योंकि छायेव कर्म सचिवा, क्योंकि देवताओं का चरित्र छाया के समान है। कर्म सचिवा, देवता लोग स्वतंत्र नहीं है, देवता भी सचिव है, मंत्री है। किसके? हमारे कर्मों के। भक्तो, इस संसार में आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। गीता में कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म लोक तक, ये स्वर्ग लोक तो बहुत नीचे हैं, उनके ऊपर सबसे अंत में ब्रह्म लोक आता है। इस भौतिक जगत में ब्रह्म लोक, ब्रह्मा जी तक कोई स्वतंत्र नहीं है। ये देवता लोग छायेव कर्म सचिवा, ये देवता लोग भी किसी के नौकर हैं, मंत्री हैं। किसके मंत्री हैं, किसके सचिव हैं? तो कहते हैं हमारे कर्म के, हमारे कर्म के। और दर्शन देते हैं छाया इव, जैसे हमारी परछाई, जैसे लंबे व्यक्ति की लंबी परछाई होती है और छोटे व्यक्ति की छोटी परछाई होती है, वैसे कोई बड़ी मेहनत करे तो देवता उसे बड़ा फल देते हैं, कम मेहनत करे तो देवता उसे कम फल देते हैं। जैसे धनी लोगों के घर पर आपने देखा होगा, जब धनी लोग किसी की शादी में जाते हैं तो धनी लोग की शादी में जितने लोग आते हैं तो उनके घर पर गुजराती में, गुजराती समाज में रिवाज है, चांडलो करावे। कोई लगन में जाए तेरे चांडलो लखावे, 51 रुपया, 101, 1001, 501। जेटला लोग चांडलो आपे एनु नाम
एक एक बुक में लखी ले पछी एना घरे ज्यारे लगन आवे तो ई बुक खोले अने जोवे के आणे आपणा लगन में 101 नो चांडलो कर्यो तो माटे एना लगन में आपणे 101 नो चांडलो करो। बस देवताओं का यही सिद्धांत है कि इस आदमी ने मेरी इतनी उपासना की तो हम भी उसकी उतनी उपासना करेंगे। शास्त्र में देवता और उनके उपासों का संबंध कैसे बताया जानते हैं? एक आदमी को खुजली हुई, दूसरे को भी खुजली हुई, सब लोग इस बीमारी से परेशान होते हैं, ये अंदर की बात है। दोनों को खुजली हुई तो दोनों ने आपस में समझौता कर लिया, तू मुझे खुजाना मैं तुझे खुजाऊंगा। यहाँ के जीव देवताओं को प्रसन्न करते हैं, यज्ञ करते हैं, देवताओं की शक्ति बढ़ाते हैं और देवता लोग मनुष्य को देते हैं, ये जितना देते हैं उससे बहुत कम वहां से मिलता है। छायेव कर्म सचिवा, और सचिव है, बहुत सुंदर यहां पर शब्द है कर्म सचिवा। देवता लोग भी बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है। यदि हम देवताओं से कुछ मांगते हैं तो देवताओं को देना पड़ता है। और भक्तों, उसमें भयानक वस्तु तो यह है कि यदि देवताओं से हम कोई बुरी वस्तु मांगते हैं फिर भी देवता उसको देने में मजबूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान से और भक्तों से यदि कोई बुरी वस्तु मांगोगे तो वो नहीं देंगे। लेकिन देवता कर्म सचिवा, कर्म के सचिव है, कर्म के नौकर है, यदि कर्म किया तो उसको देना ही पड़ेगा। जैसे महात्मा गण दृष्टांत देते हैं, 5 साल का लड़का यदि मन में इच्छा हो जाए यार सिगरेट पीना है और किसी पान बीड़ी की दुकान में जाकर कहे ये लो 10 रुपए एक सिगरेट दे दो, आज मुझे पीने का मन हुआ है। अब वो दुकान में जो नौकरी कर रहा है वो तो बाध्य है, उस लड़के ने 10 रुपया दिया है इसलिए उनको सिगरेट देने में बाध्य है, वो सिगरेट दे देगा। लेकिन वही लड़का अपने घर पर बैठा है, पिताजी बाहर जा रहे हैं और कहने लगे पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले नीचे जा रहा हूँ, ये लीजिए 10 रुपया मेरे लिए सिगरेट लेके आना। पिताजी क्या करेंगे, पहले तो धीरे करके 10 रुपया ले लेंगे और 3 थप्पड़ मारेंगे, सिगरेट पीना है तेरे को। अब बताइए वो पान बीड़ी में जो नौकरी करता है वो अच्छा है कि पिताजी अच्छा है? सोच समझ कर बोलना, अपनी बात अपने पर ना आ जाए। वो शॉपकीपर अच्छा है कि पिताजी अच्छा है? 10 रुपया ले लेते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं लेकिन फिर भी पिताजी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भला सोचते हैं। कभी कभी माया में फंसने के कारण हम लोग कुछ गलत इच्छाएं कर लेते हैं, लेकिन ऐसी गलत इच्छाएं देवताओं के सामने करेंगे तो देवता दे देंगे जिससे हमारा जीवन अधोगति में चला जाएगा। लेकिन वही इच्छा यदि हम कृष्ण के सामने करेंगे तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त कभी कभी मुझसे कुछ गलत वस्तु मांग सकते हैं, मेरे भक्त कभी मूर्ख बन सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी ना मूर्ख हूं। कृष्ण भी अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं लेकिन कृष्ण सोच समझ कर देते हैं कि इसको यदि 1 करोड़ दूंगा तो पागल हो जाएगा, वो फिर बियर बार में चला जाएगा, मैं नहीं दूंगा। कृष्ण बिल्कुल सोच समझ कर देते हैं। तो कभी कभी कृष्ण की भक्ति करने वालों के पास धन नहीं होता है, ये भी कृष्ण की कृपा है, आ गया तो बिगड़ जाएंगे, उससे अच्छा है भगवान नहीं देते। अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख है। आमी विज्ञ, कृष्ण कहते हैं मैं विज्ञ हूं और उस मूर्ख को विषय कहने दीव, स्व चरणामृत दिया विषय भुलाई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ऐसा सुख देते हैं, ऐसा सुख देते हैं कि जो जिस आदमी ने भगवान से मांगा है ना, वो जो मांगा है वही भूल जाता है और दिलो दिमाग में कृष्ण ही छा जाते हैं। तो इस प्रकार यहां पर कहते हैं भजन्ति ये यथा देवान, जो लोग देवताओं की का भजन करते हैं देवता लोग उनसे बहुत कम प्रदान करते हैं क्योंकि वो कर्म सचिवा है। लेकिन साधवो छाएव कर्म सचिवा,
साधवो दिन वत्सला साधवो दिन वत्सला। लेकिन साधु लोग ऐसे नहीं है, है? साधु का चरित्र कैसा है? दीन वत्सला। साधु साधु तो जो दीन होते हैं ना उस पर कृपा करते हैं, और दीनों के ऊपर कैसी कृपा करते हैं? जैसे एक गाय अपने ताजे ब्याये हुए बछड़े के ऊपर कृपा करती है। हमने कुछ समय पहले यह दृश्य देखा था, जब गाय के गर्भ से बछड़े का जन्म होता है। भक्त साधु अपने भक्तों की अपने आश्रितों के ऊपर कैसी कृपा करते हैं? जैसे गाय अपने बछड़े के ऊपर कृपा करती है। बहुत सुंदर एक सटीक दृष्टांत दे रहे हैं वसुदेव जी। सर्वप्रथम गाय अपने ताजे ब्याये हुए बछड़े के ऊपर प्रथम कृपा क्या होती है? वो बछड़े के ऊपर अनेकों प्रकार की गंदगी होती है, मल मूत्र होता है और रक्त खून भी होता है, और उस समय गाय अपनी जीवा से उस बछड़े को साफ करती है। अन्य कोई व्यक्ति उस बछड़े के पास जाए, गाय लात मार के उसको भगा देती है और अपनी जीवा से उसे साफ करती है। आचार्यों ने बहुत गहराई से इस दृष्टांत को सोच समझ कर दिया। गाय जब अपने बछड़े को साफ करती है जीवा से, तो कभी कभी वह रक्त मल मूत्र गाय के मुख में चला जाता है, फिर भी उस बछड़े को साफ करती है। वैसे ही साधु संसार के दीनहीन लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, तब कभी कभी दीनहीन लोगों का दोष साधु के जीवन में आ जाता है, लेकिन फिर भी साधु उन पर कृपा करते हैं। कभी कभी पापी लोगों का पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे गाय कभी कभी वह गंदगी कूद खा जाती है लेकिन बछड़े को साफ कर देती है, वैसे साधु दूसरों का पाप ले लेते हैं और दूसरों को पापों से मुक्त कर देते हैं। ये साधु का चरित्र है, संत का चरित्र है। कई बार साधु हमारे घर पर आते हैं, संत हमारे घर पर आते हैं और हम डंका बजाते हैं कि हमने साधुओं को खिलाया, हम तो इतने बड़े हैं, हम साधुओं को पैसे देते हैं, हम साधुओं को भोजन देते हैं। क्या देते हो तुम? कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने साधुओं के ऊपर कृपा की। भक्तों ये सबसे बड़ा ज्ञान है, क्या कृपा की हमने साधुओं के ऊपर। भक्तों विचार कीजिए, साधुओं ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। अनेकों प्रकार के दोषों से संचित किया हुआ धन जो हमारे घर पर है, उस धन के साथ अनेकों दोष हैं और उसी दोषों में हम सब लोग मर रहे हैं। लेकिन कोई पवित्र साधु जब हमारे घर पर आता है, भोजन करता है, तो हमारे घर के सारे भोजन के दोषों को लेकर बेचारा चला जाता है और हमको पवित्र कर देता है। साधु हमारे घर के धन को नहीं लेता है, साधु हमारे घर के भोजन को नहीं खाता है, साधु हमारे घर पर रहे हुए धन और भोजन में रहे हुए पाप को लेकर चला जाता है और हमको पवित्र कर देता है। इसलिए वसुदेव जी कहते हैं साधवो दीन वत्सला। साधु जो होते हैं दीनों के ऊपर वत्सल के समान है, जैसे गाय बछड़े के ऊपर कृपा करती है वैसे कृपा करते हैं। कभी कभी खुद बदनामी स्वीकार कर लेते हैं लेकिन अपने भक्त को छोड़ देते हैं, भक्त को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार साधवो दीन वत्सला, अनेकों दृष्टांत अनेकों प्रमाण हमारे पास है, परंतु समय बहुत कम है और हमें बहुत सारे श्लोकों को पार करना है। हमने तो सोचा था 9 दिन में 9 योगेश्वर जी के 9 प्रश्नों को लेंगे और 9 उत्तर सुनेंगे, लेकिन अब तो इसी संवाद में ही सारा समय जा रहा है। खैर, तो साधु दीन वत्सला, साधु जो होते हैं दीन लोगों के ऊपर कृपा करते हैं ना? और दीन वत्सला का अर्थ है कभी भी किसी से कुछ आशा नहीं रखते हैं। इस संसार में भगवान और भक्त ये दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के लोगों के ऊपर कृपा करते हैं।
दुनिया में हम जगत में जितना भी प्रेम देख रहे हैं ना, ये सारे प्रेम के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ है। पति का कुछ स्वार्थ है इसलिए पत्नी से प्रेम जताता है, पत्नी का कुछ स्वार्थ है पति के पीछे, पुत्र का कुछ स्वार्थ है, है? पुत्री का कुछ स्वार्थ है, कुछ ना कुछ स्वार्थ है। संसार में दो ही लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, और वह दो लोग कौन है? हे तू रहित जग जोग उपकारी, हे तू रहित जग जोग उपकारी, हे तू रहित जग जुग 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 उपकारी, तुम तुमार सेवक असुरारी, तुम तुमार सेवक असुरारी, तुम तुमार सेवक असुरारी, तुम तुमार सेवक असुरारी। संसार में सब जगह पर स्वार्थ है, घर घर में स्वार्थ है, गली गली में स्वार्थ है, ऑफिस में स्वार्थ है, ट्रेन में, बस में, सब जगह पर स्वार्थ। लेकिन इस भुवन में, इस ब्रह्मांड में बिना स्वार्थ के कृपा करने वाले मात्र दो लोग कहते हैं हेतु रहित स्वार्थ रहित कृपा करने वाले कौन? तुम तुम्हार सेवक असुरार। बिना स्वार्थ के दो लोग कृपा करते हैं, एक तो साक्षात भगवान और एक भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त साधु। हे तू रहित जग जुग उपकारी, हे तू रहित जग जुग उपकारी, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 गाइए, राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम, संत मिलन को चालिए तजिमान अभिमान, संत मिलन को चालिए तजिमान अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान। इस संसार में हमने देखा है प्यासा पानी के पास जाता है,
इस संसार का ये सिद्धांत है, प्यासा पानी के पास जाता है, लेकिन धन्य है संतों की करुणा, धन्य है भक्तों की करुणा कि खुद पानी प्यासे के पास चलकर आता है। इसे संत कहते हैं। और ऐसे संत को मिलने के लिए कोई एक कदम भी आगे बढ़ाता है, महाभारत इसका प्रमाण है। ऐसे संतों को मिलने के लिए कोई एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो उसके एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। एक एक पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। आज तक हमने यह सुना था कि प्यासा पानी के पास जाता है, लेकिन नारद जी आपने तो संसार का सिद्धांत ही बदल दिया। नारद जी मैं प्यासा हूं और मुझे आपके पास आना चाहिए, लेकिन आज पूरा जलाशय पूरा पानी ही मेरे पास मेरे घर पर चलकर आ गया है। वसुदेव जी कहते हैं, वैसे तो नारद जी आपको देखकर मैं कृतार्थ हो गया, बस आपको देखकर मेरे जीवन का सारी थकावट उतर गई, आपको देखकर मेरे पितृ धन्य हो गए, आज मेरा सब कुछ पवित्र हो गया। नारद जी वैसे तो सब कुछ मुझे मिल गया, तथापि फिर भी है ना, ये फिर भी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे वसुदेव जी कहते हैं मुझे सब कुछ मिल गया आपका दर्शन करके ही, क्योंकि गंगारो परश होइल पश्चात पावन, गंगा में स्नान करने के बाद कोई पवित्र होता है, लेकिन आप जैसे संत को देखकर ही कोई पवित्र बन जाता है, है? तो वैसे तो आपको देखकर हम पवित्र हो गए, तथापि फिर भी एक छोटी सी जिज्ञासा है। ब्रह्मन् तथापि प्रीच्छामो, तथापि शब्द है, हे ब्रह्मन् तथापि फिर भी है। ब्रह्मन् तथापि प्रीच्छामो धर्मान् भागवतम् स्तव, यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। हे ब्रह्मन्, श्री वसुदेव जी नारद जी को ब्रह्मन् कहते हैं। हे ब्रह्मन्, ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान, और भक्तों भगवान के मुख से वेद प्रकट हुए हैं, ये सारे वेद भगवान के सांस से प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान के बाद उस वेद को शास्त्र को भी ब्रह्म कहा जाता है। और जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा है समझा है और उन शास्त्र को आत्मसात किया है उसको ब्रह्मन् कहा जाता है। वेद और शास्त्र को पढ़कर जो अपने जीवन में उतारते हैं उसे ब्रह्मन् कहते हैं, और वेद शास्त्र को जीवन में उतार कर भगवान के साथ जो अपना संबंध जोड़ देते हैं उसे ब्राह्मण कहा जाता है। हे ब्रह्मन्, आप परम ज्ञानी हो, सारे शास्त्र की ज्ञाता हो, वैसे तो आपको देखकर हमको सारा फल मिल गया, लेकिन तथापि फिर भी हमारी एक इच्छा है। देखिए वसुदेव जी ने यह नहीं कहा कि हे ब्राह्मण देवता पीठ पर हाथ घुमा दीजिए ना हमारा कल्याण हो जाए, या मस्तक पर हाथ रख दीजिए कल्याण हो जाए। बहुत सुंदर जिज्ञासा करे, पृच्छामो, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं। भक्तों ये पृच्छामो शब्द जो है ना बहुवचन में है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार ये पृच्छामो शब्द बहुवचन में है, तो वसुदेव जी नारद जी को ऐसा नहीं करें कि मैं आपको पूछ रहा हूं, वसुदेव जी कहते हैं कि हम आपको पूछ रहे हैं। इसका अर्थ है कि नारद मुनि आसन पर बैठे हैं, वसुदेव जी नीचे बैठे हैं, और पृच्छामो बहुवचन में है, इसका अर्थ है वसुदेव जी अकेले नहीं बैठे हैं, अपनी पत्नी देवकी और अपने अनेकों बच्चों को पौत्रों को साथ में लेकर, फैमिली को साथ में लेकर बैठे हैं।
इसलिए आचार्यों ने यहाँ पर एक सिद्धांत दे दिया कि जब भी कोई साधु संत हमारे घर पर आते हैं तो अकेले अकेले उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, पूरे फैमिली को उनकी सेवा में लगा देना चाहिए, पूरे फैमिली को। संसार में देखा जाता है कुछ लोग भजन करते हैं तो अकेले अकेले, कुछ लोग कथा भी सुनने आते हैं तो अकेले अकेले। भजन करना चाहिए अपनी पत्नी और बच्चों को साथ में लेकर। जब भगवान श्री रामचंद्र वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और कहा कि प्रभु मेरे लिए लखन और सीता के लिए रहने का कोई उचित स्थान बताइए, तब उस समय वाल्मीकि ऋषि ने इतना ही कहा कि राम, प्रभु इस संसार में जो लोग अपने परिवार के साथ बैठकर साधुओं की सेवा करे और आपके नाम का जाप करे, आप उनके घर पर जाकर रह सकते हो। मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सही तप दिवारा। मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूज ही सहित परिवारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा, तुम ही सहित परिवारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा है, पूज ही तुम ही सहित परिवारा है। हे राम, इस संसार में जो लोग अपने परिवार के साथ आपका भजन करता है, आप उनके घर पर जाकर। अब एक को आस्था चैनल देखनी है और एक को सोनी टीवी देखना है, उसके घर पर भगवान नहीं जाते है। पूरे परिवार को साथ में लेकर जो चलता है, थोड़ा मुश्किल तो है क्योंकि दुनिया को समझाना आसान, लेकिन एक पत्नी को समझाना या पत्नी के लिए पति को समझाना या बच्चों को मुश्किल। वसुदेव जी अकेले नहीं, अपनी पत्नी बच्चों पोत्रों को साथ में लेकर वहां पर नारद जी के चरणों में बैठे हैं और चरणों में बैठकर कहते हैं कि हे नारद जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? धर्मान भागवतास्तव। हे नारद जी, बस आपके मुख से है धर्मान भागवतान, उसको आगे पीछे कर दिया जाए तो भागवत धर्मान है। हे नारद जी, मैं आपके मुख से भागवत धर्म के विषय में जानना चाहता हूं। भागवत धर्म क्या है वो तो हम आपको कल बताएंगे, लेकिन मानो नारद जी कहे कि वसुदेव जी भागवत धर्म के विषय में क्यों सुनना चाहते हो? तब वसुदेव जी कहते हैं कि यत श्रुतवा, एक बार भी यदि कोई व्यक्ति भागवत धर्म के विषय में सुन लेता है तो मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात। इस संसार में रहने वाला मर्त्य मनुष्य समस्त प्रकार के दुखों से और भय से मुक्त हो जाता है। यत श्रुतवा श्रत्या मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात। ये भागवत धर्म की कथा ऐसी है जिसका श्रवण करके व्यक्ति समस्त भय से दुखों से रोग से मुक्त हो जाता है। लेकिन एक शर्त रख दी वसुदेव जी ने, एक शर्त है, सुन तो हम भी लेंगे इन 9 दिनों में भागवत धर्म, लेकिन एक शर्त है और वह शर्त है ज्ञान श्रुतवा श्रद्धया। इस भागवत धर्म की कथा को श्रद्धा से सुनना होगा। यदि कोई श्रद्धा से भागवत धर्म की कथा को सुन लेता है
तो मुच्यते सर्वतो, समस्त प्रकार के भय से, दुखों से, रोगों से, दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। ज्ञान श्रुतवा भक्तों, ये भागवत धर्म का ही दूसरा नाम है सनातन धर्म। तो भागवत धर्म को सनातन धर्म आचार्यों ने क्यों कहा, और ये भागवत धर्म की क्या महिमा है, और नारद मुनि को यह प्रश्न पूछा गया वसुदेव जी के द्वारा, भगवान के पिता के द्वारा, और नारद मुनि इस भागवत धर्म का उपदेश करेंगे आने वाले 7 दिनों में। ये 2 दिन भूमिका में ही निकल गई, कल से भागवत धर्म का उपदेश प्रारंभ होगा। आप सभी भक्तों से निवेदन है, समय से यहाँ पर पधारिए, इस कथा का श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करके रखें, क्योंकि बहुत सुंदर 10 मिनट की नृत्य नाटिका, एक ड्रामा प्रस्तुत किया जा रहा है श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और श्री राधा गिरधारी मंदिर के भक्तों के द्वारा। तो सभी भक्त बैठे रहेंगे, तब तक अनाउंसमेंट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जिसका नाम है डॉक्टर भोसले, डॉक्टर भोसले के पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, एक बीवी है, और तो और एक बच्चा भी है, और बच्चे के लिए उन्होंने बहुत सपने देखे हैं। पर बच्चा क्या सपने देख रहा है, आइए देखें आगे। अरे बेटे लक्ष्मण प्रसाद, ए बेटे लक्ष्मण प्रसाद, तुमसे बात कर रहा हूँ बेटे लक्ष्मण प्रसाद। ओह फॉर डैड, डोंट कॉल मी लक्ष्मण प्रसाद, आई एम लकी। ठीक है ठीक है बेटे लकी, क्या कॉलेज नहीं जाना है? ओह आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू द पार्टी। पार्टी? पार्टी में जा रहा है तू? देखो तुझे कितना खर्चा करके मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने अच्छे बड़े कॉलेज में तुझे एडमिशन दिलाया है, तो क्या तुझे डॉक्टर नहीं बनना? ओह डैड आई डोंट कम बी अ डॉक्टर। हाँ तो क्या बनना है तुम्हें? आई वांट टू बिकम अ डीजे एंड आरजे, एवरी डे आई विल बी ऑन द स्टेज, गुड मॉर्निंग मुंबई। अरे क्या समझाऊं इस पागल को, देखो मैंने कितनी बड़ी लोन ली है, कितना बड़ा कर्जा लेकर मैंने मेरा अपना हॉस्पिटल बनाया है। हाँ तो क्या इस हॉस्पिटल को तू पब में कन्वर्ट करना चाहता है? पब, पब, व्हाट एन आइडिया सर जी, पब। जस्ट इमेजिन अपना हॉस्पिटल एक पब, वाह डैड वाह। अरे तू इसे मेरी सलाह को सीरियसली मत ले। अरे डैड आप सोच नहीं सकते, आई कैन सी हमारा वेटिंग एरिया होगा एक डांस फ्लोर, हमारा फर्स्ट फ्लोर होगा एक रेस्टोरेंट, और तो हमारा ऑपरेशन थिएटर फुल एसी। अरे बाप रे, मेरे ऑपरेशन थिएटर को कुछ मत कर यार। डैड क्या समझाऊं तुझे, और ये क्या क्या हुलिया बना के रखा है, क्या पहना क्या है ये तूने, क्या पहना है ये, कपड़े है क्या, अरे क्या बाल पे घास फूस उगा के रखा है सब, हैं? और ये एक कान में क्या पहना है, कान में बाली और दिमाग से खाली। उसे उसे तो अपने वो अच्छे है वो डॉक्टर देशमुख के बेटे को देख, ही हैज बिकम ए डॉक्टर एंड ही हैज टेकन ओवर हिज डैड्स हॉस्पिटल। उसने अपने डैड के हॉस्पिटल में वो कितनी सेवा कर रहा है, जरा सीख उसे देखे कुछ सीख। पर तू तू क्या कर रहा है, रात भर डीजे में जाके कमर हिलाते रहता है, डांस करते रहता है, पढ़ाई का नाम नहीं, डॉक्टर नहीं बनना तुझे? डैड डॉक्टर आपने क्या कर लिया डॉक्टर बन के, जस्ट योरसेल्फ, आपके पास ना मेरे लिए टाइम है ना मम्मा के लिए, और तो आपको अपने आपके लिए भी टाइम नहीं है। आई वॉन्ट फ्रीडम, फुली फ्रीडम। हाँ फ्रीडम के नाम पे अय्याशी करनी है तुझे, रात रात भर बाहर रहता है, नाचते रहता है, डॉक्टर नहीं बनना तुझे? डैड आई कांट आर्ग्यू विद यू, एक मैंने फैसला ले लिया है, नो मेडिसिन नो इंजीनियरिंग, ओनली गुड मॉर्निंग मुंबई। क्या करूं इस लड़के का समझ में नहीं आता, परेशान हो गया हूं मैं। वेल गुड मॉर्निंग भोसले, सुबह सुबह बेटे ने दे दिया,
आप जो सोच रहे वो मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा मतलब है टेंशन। बेचारे ने अपने टेंशन में पेशेंट का दर्द कैसे दूर करेंगे, आइए देखते हैं आगे। डॉक्टर साहब हैं क्या? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। अरे आपका चेहरा देखकर कुछ याद आ रहा है, आपको तो मैंने 7 दिन के बाद बुलाया था। वो क्या है डॉक्टर साहब, कल से बुखार उतर ही नहीं रहा है तो मैं आ गया। क्या अंकल, मैंने बोला था कि ये बुखार की गोली 3-4 दिन तक लो, बुखार चला गयाएगा, फिर भी आप आ गए। क्या कहूँ डॉक्टर, घर में बच्चे की बीबी बहुत परेशान करती है, कम वक्त उसके बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए यहाँ आ गया। अच्छा बताइए और क्या तकलीफ है? तकलीफ ही तकलीफ है डॉक्टर साहब। ये सर का दर्द है और ये पांव का दर्द है। सर का दर्द धीरे 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 कमर पे चला आता है, कमर का दर्द धीरे धीरे पांव में चला आता है। अच्छा, फिर पांव का दर्द पांव से तो बाहर चला जाता होगा? नहीं डॉक्टर साहब, ये फिर दूसरे पैरे से ऊपर चला आता है, कमर में आता है, कमर से धीरे धीरे सर में आके बैठ जाता है। अरे बाप रे। अच्छा और भी कुछ समस्या है आपको? हाँ डॉक्टर साहब, ये पेट है ना, कभी साफ होता ही नहीं। अच्छा, कभी सॉलिड कभी लिक्विड, मिस कॉल तो आते रहते हैं। लगता है इस बुड्ढे का इलाज करना पड़ेगा, बहुत मिस कॉल मार रहा है। ले ये दवा लो। धन्यवाद डॉक्टर, ये रही आपकी फीस। अच्छा बताओ डॉक्टर, अभी मैं कब आऊं? हाँ देखो, अभी इमीडिएट चले मत आना, 7 दिन के बाद आना, 7 दिन के बाद, समझे? अच्छा ठीक है, मैं कल फिर चला आऊंगा। वो बोला 7 दिन के बाद, तो भी कल आके दिमाग खाएगा मेरा, ऐसे ही मैं परेशान हूं। बेचारे डॉक्टर साहब, न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है, कभी सॉलिड तो कभी लिक्विड। लिक्विड से मुझे याद आ रहा है कि इस हॉस्पिटल की लिक्विडिटी का क्या होगा, और ये कौन आ रहा है? अरे बैंक मैनेजर मेहता। डॉक्टर भोसले, डॉक्टर भोसले कहाँ है? डॉक्टर भोसले, मैं हूँ डॉक्टर भोसले, मगर आपको पहले कहीं देखा लगता है, मगर आप पेशेंट तो नहीं लग रहे हैं। लोन लेने के वक्त तो बहुत फोन किया करते थे, अब भूल गए मुझे? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर मिस्टर मेहता फ्रॉम बैंक। अच्छा अच्छा, आइए आइए बैठिए बैठिए मिस्टर मेहता। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, जब आपने हॉस्पिटल के लिए लोन लिया था तो आपने बोला था कि टाइम पर EMI पे करूंगा, लेकिन पिछले 3 महीने का EMI पे नहीं किया आपने। मुझे भी मैनेजमेंट को जॉब लेना पड़ता है। अब मैं क्या करूं मिस्टर मेहता, अभी अभी तो दिवाली गई है, दिवाली में कोई ऑपरेशन कराने को आता ही नहीं, और अभी विंटर चल रहा है, सर्दी का मौसम, सब लोग जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई बीमारी नहीं पड़ता, तो मैं ऑपरेशन किसका करूँ? ये एक्सक्यूज मुझे मत दो, अगर पेशेंट ना मिले तो नॉर्मल आदमी को ऑपरेट करो, पर मुझे मेरे पैसे वापस करो। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, नॉर्मल आदमी का ऑपरेशन कर दूं? देखो आप मुझे गुस्सा मत दिलाओ,
अगर इसी तरह आप मुझे धमकाते रहे तो मैं है ना ऑपरेशन की सीजर अपने पेट में डाल के सुसाइड कर लूंगा, बाद में करते रहना वसूली। देखो ये सुसाइड की धमकी मुझे मत दो, आए दिन ऐसे केस हम सुनते रहते, मुझे 1 तारीख तक मेरे पैसे वापस कर दो वरना तुम्हारी हॉस्पिटल सब मशीनरी सब पे कब्जा कर लूंगा, देख लेना 1 तारीख। अरे अरे मिस्टर मेहता सुनिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट लिसन मिस्टर मेहता। शिवाजी महाराज के वंशज है मिस्टर भोसले, शिवाजी महाराज ने इतने किले बचाए लेकिन ये क्या खुद का किला बचा पाएंगे? शिवाजी महाराज के हाथ में तो तलवार थी और इनके हाथ में है स्कैल्पिन। अरे ये फोन की घंटी सुनी आपने? ये फोन की घंटी नहीं, ये युद्ध का शंखनाद है, क्या समझे? अरे अरे मिसेस भोसले का फोन है। अरे बाप रे, मेलो बाइकोचा फोन, बाप रे देवा वाचव रे। हाँ हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, बोलिए ना। अरे कुठे आहे तुम्ही? अरे मी रस्ता वर आहे, येतो आता येतो। अरे तुम्हाला काही आठवते की नाही, कुछ याद आहे की नाही तुमको? अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ तो भी बोला था ना सुबह तुमने, हाँ भूल गया मैं। हाँ 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 वो हाँ याद आया, वो तुम्हारी सहेली का कुछ बर्थडे है ना? अरे बर्थडे नहीं, शादी है। शादी? ओ नो भूल गया। अच्छा अच्छा शादी है ना, हाँ तो जाएंगे ना शादी में, जाएंगे। अरे शादी तो हो गया, अभी तो रिसेप्शन में खत्म होने को आया, किधर है आप? अरे अरे यहाँ मेरे पेशेंट खत्म नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूँ? पेशेंट पेशेंट पेशेंट, अरे आपको इतना पेशेंट से लगा हुआ तो उसी से शादी करना चाहिए ना। आता हूँ, 5 मिनट में पहुंचा। अरे पिछले 3 घंटे से तुम्हारा 5 मिनट खत्म नहीं होता है, जल्दी आओ। ओहो, लगता है आज शामत है घर पे जाके। बाप रे, सब टेंशन टेंशन। डॉक्टर के 5 मिनट, बीवी के पास देर से पहुंचे तो बीवी कहती है पेशेंट से शादी कर लो, और यदि पेशेंट के पास 5 मिनट देर से पहुंचे तो? डॉक्टर भोसले, ए डॉक्टर भोसले, ए शाड़े तू आई क्या? डॉक्टर भोसले, डॉक्टर भोसले किधर है? ए डॉक्टर भोसले, देख शाड़े डर गया क्या? हाँ हाँ देखो भाई साहब मैं हूँ डॉक्टर भोसले, बोलिए क्या तकलीफ है? शानपट्टी के रसगुल्ले, तू आई क्या डॉक्टर भोसले? हाँ 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 बोल, क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ इधर हॉस्पिटल को बगीचा बना के रखेला है और उधर पेशेंट को खाली हवाई खिलाएगा क्या? कुछ दवा ववा भी खिलाएगा? हाँ 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 पता है मुझे, पता है। बोलो बोलो क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या बोले तो? समझता है क्या समस्या बोले तो? मैंने ये बोला कि क्या समस्या है आपकी? हाँ ऐसा बोलना, क्या है समस्या बोले तो? बाहर जो भाकड़े में है ना तेरे, एक अपन का भाई बैठेला है, उसके पेट में छाती में मजबूत दुकरेला है। अच्छा क्या? और न नर्स का पता है न वार्ड बॉय का पता है, तेरा हॉस्पिटल में क्या हड़ताल लगे लाए क्या? अरे वो जो पेशेंट है ना उसको मैंने देखा है, कुछ उसको ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, उसको है ना खाली अस्थमा है, वो भी माइनर। अरे माइनर बोलता है? इमरजेंसी केस के लिए तूने खाली नर्स को भेजा है? मैंने नर्स को फिजिशियन को बोल दिया है, वो नर्स को बोल के दवाई दे देगी। अरे शाने तू रहेगा बहुत बड़ा सर्जन, समझा ना? लेकिन अपन के इसको कुछ हो गया ना देख लेना फिर शाने। वो है ना मैंने उसको समझा दिया है, वो नर्स उसको दवा दे देगी, आप इतनी फिक्र मत करो, आप इतनी चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। और आप इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो, क्या डॉक्टर तुम है कि मैं है, समझे? ऐसा कुछ ज्यादा कुछ आवाज नहीं करने का इधर, समझे क्या? अरे अपन को भी क्या पीपी का तकलीफ है, अगर तुमने ज्यादा आवाज किया ना तो सीधा डॉक्टर से कंपाउंडर बना दूंगा, समझ गया ना? और ए शाने तू रहेगा ना बहुत बड़ा सर्जन, लेकिन अपन के भाई को कुछ हो गया ना समझ जा, आज है तेरा विसर्जन।
डॉक्टर साहब किधर है? डॉक्टर साहब किधर है? अरे डॉक्टर साहब, ए डॉक्टर साहब किधर है तुम? डॉक्टर साहब, अरे हाँ तुम तो इधर ही बैठे लाए। हाँ हाँ, आओ आओ पारसी बाबा, आप तो हमारा पुराना पेशेंट है, आओ आओ बोलो क्या तकलीफ है बोलो। अरे तकलीफ ही तकलीफ है, तुमको क्या बताऊँ, मेरा दिख रहा है ना दिख रहा, उसको मैं बोलता हूँ मेरे दुकान पे ठंडे पे थोड़ा ध्यान दे, तीन चार घंटा ठंडे पे बैठ, तो बोलता नहीं हमको तो है ना, वो क्या बोलते है वो डीजे, हाँ उसको डीजे में डिस्को में डांस करने गए, बोलता है तुम्हारे धंधे में हमको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और तो और तो तुमको क्या बताऊँ, मेरा बाप है ना बाप, उसको मैं बोलता है जाके गार्डन में चार पांच चक्कर मारो, तो बोलता है नहीं। अच्छा, वो घर पे ही बैठा रहता है और सुबह सुबह में सर का दर्द लेके बैठ जाता है, बोलता है मेरे सर में दर्द है, धीरे धीरे कमर को आता है और कमर से पैर में चला जाता है। और वो दूसरे पैर से ऊपर भी आ जाता होगा। हाँ, तुमको कैसे मालूम? तो सब मालूम है बोलो। और वो जो हमारा बैंक का मैनेजर है ना, वो बैंक का मैनेजर हमारी दुकान पे आके हमको बोलते है कि तुमने हमारा हफ्ता बराबर टाइम पे नहीं दिया ना, तो हम तुम्हारा दुकान है ना उसको ताला मार के लीलाम कर डालेगा। तुमको मालूम है वो ये सब धंधे के चक्कर के अंदर पांच मिनट अगर देरी से घर पे पूछता है ना, तो हमारा बीवी हमको क्या बोलते है मालूम है तुमको? कस्टमर से शादी कर लो। हाँ, अरे डॉक्टर तुमको तो सब कुछ मालूम है। और वो गुंडा गुंडा भी आपको दम मार के जाता होगा। दूसरा पेशेंट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरा डॉक्टर को भी सेम टू सेम प्रॉब्लम हुआ है तो पेशेंट लोग जाएगा किधर? बेचारे डॉक्टर भोसले कहाँ जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या करें ऐसी स्थिति में, कौन उसे संभाल सकता है? कोई मसीहा, कोई मित्र, या फिर एक कृष्ण का भक्त? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बात है मित्र, तुमने मुझे याद किया। आप कौन है भाई साहब? मैं कृष्ण का भक्त हूँ, कृष्ण का दास हूँ। डॉक्टर, जब पेशेंट तुम्हारे, कृष्ण जितना मुझे प्रेम करते हैं उतना ही कृष्ण आपको भी प्रेम करते हैं, और तो और कृष्ण आपके जितने पेशेंट आते हैं उन्हें भी उतना ही प्रेम करते हैं। डॉक्टर, जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप उनके शरीर का इलाज करते हैं, वो ठीक हो जाता है, परंतु वो सुखी नहीं होता। हाँ। वो सुखी नहीं होता। डॉक्टर, इस स्टेथोस्कोप से आपने कई लोगों का इलाज किया है, पर क्या कभी आपने दो मीठे बोल बोले? नहीं डॉक्टर, आपको देखना चाहिए कि आप अपने पेशेंट को सुखी करें। सिर्फ पैसे कमाने के लिए डॉक्टर मत बनिए, अपने मरीजों के हृदय में स्थान प्राप्त कीजिए। और तो और डॉक्टर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सिर्फ डॉक्टर मत बनिए, बी अ मैसेंजर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हाँ सही सही कहा आपने, आपने तो मेरे सोचने की दिशा ही बदल दी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, अब मैं आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलूँगा भाई साहब। देखो वो आ रहे हैं कृष्ण के अंश। सब लोग बैठ जाइए दो मिनट के लिए। डॉक्टर साहब हैं क्या? आइए आइए आइए, क्षमा कीजिएगा, मुझे डॉक्टर भोसले से मिलना था, मैं गलत जगह पे आ गया। नहीं नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल सही जगह पे आए, गलती तो मुझसे हुई थी। बोलिए कैसे हैं आप? चल रहा है, अगर आप हमसे इस तरह बातें करेंगे तो हमारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। अरे डैड, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप में इतना चेंज कैसा है डैड, बताइए डैड। अब मुझे एक मसीहा ने बिल्कुल सच बात कही है, उसके द्वारा मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। डैड, मैं आप
आपको पता है वो देशमुख के लड़के ने सुसाइड कर दी क्योंकि उनके पिताजी ने उनको फोर्स किया डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन आपने हमेशा मुझे संभाला है डैड। हाँ। मुझे विश्वास है कि आप मुझे मदद करेंगे तो मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर बनूंगा। हाँ। मुझे माफ कर दीजिए डैड, मुझसे गलती हो गई डैड। नहीं नहीं उठो बेटे, गलती तो मुझसे हुई थी कि मैंने तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए मजबूर किया था, मगर अगर फिर भी अगर तुम्हें डॉक्टर बनना ही है तो एक बात याद रखना, अपने सभी मरीजों से प्रेम करना, उनका दुख दूर करना बेटे। आई प्रॉमिस डैड, आज से नो डीजे, नो आरजे और नो लकी, ओनली लक्ष्मण प्रसाद। आओ बेटा। डॉक्टर साहब तुम्हें तो एकदम खिलेले गुलाब के जैसा दिखता है ना। अरे मेरा और तुम्हारा प्रॉब्लम तो सेम टू सेम था, तुम्हारे में इतना बदलाव कैसे आया हमको भी राज का बात बताओ ना डॉक्टर। हाँ 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 बताता हूँ ना, आज इतने लोग एकत्रित हुए हैं तो जरूर बताऊंगा। आइए बैठिए। थैंक यू। आइए आइए। क्या है उस दिन क्या है अपना खड़क गया था क्या, अपन के वजह से बहुत वातावरण गर्म हो गया था भाई, कुछ गलती हो गया था माफ करना भाई। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। आइए आइए। हेलो डॉक्टर भोसले, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम वेरी मच फाइन मिस्टर मेहता, मगर मैंने तो आपके सारे इंस्टॉलमेंट भर दिए हैं। हाँ मैंने आपका अकाउंट चेक किया, आपने पिछले सारे EMI भर दिए, यहाँ तक कि 2 महीने का EMI एडवांस में भर दिया। पिछली बार गलती से मैंने आपको ऊंचे आवाज में बात की थी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल पेशेंट को आप ऑपरेट करो, कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया? नहीं नहीं मैंने किसी नॉर्मल आदमी का ऑपरेशन नहीं किया है, नॉर्मल तो वास्तव में मैं खुद हो गया हूँ। मैंने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया है, अब मैं अपने हर मरीज में भगवान का अंश देखता हूँ। अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि मैं अपने सभी मरीज को सुखी देखना चाहता हूँ। इसीलिए डॉक्टर भोसले मैं पिछली बार आया था तो सारी हॉस्पिटल खाली थी, लेकिन अब पूरी भरी हुई है, ये बदलाव कैसे हुआ? आज सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि तुम में ये बदलाव कैसे आया, तो इसके उत्तर में मात्र मुझे एक बहुत सुंदर पुराना गीत याद आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। मरीज की मुस्कुराहटों पे हो निसार, मरीज का दर्द मिल सके तो ले उधार, मरीज के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, डॉक्टर उसी का नाम है। चलो हम गाते हैं। मरीज की मुस्कुराहटों पे हो निसार, मरीज का दर्द मिल सके तो ले उधार, मरीज के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, डॉक्टर इसी का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर नाटिका हमने देखी यहाँ पे।